मटेरियल्स को और बेड चाहिए साथ में, ठीक है। डन एवरीबडी, सेंटेंस पढ़ लीजिए एक बार, लिख लीजिए। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट बच्चों इंपोर्ट प्रोसीजर के ऊपर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बाद स्ट्रेट अवे वी विल जंप ऑन इंपोर्ट प्रोसीजर्स। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपोर्ट प्रोसीजर। एक साल पहले अमेंडमेंट के तौर पर आया था, अभी तक के इसके ऊपर रेयरली एखादा क्वेश्चन पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंपोर्ट प्रोसीजर के साथ, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। रेडी, लेट्स गो। सो अभी हम शुरू करने वाले हैं इंपोर्ट प्रोसीजर्स और पूरा ध्यान बोर्ड पे। सबसे पहली बात, थोड़ा उठ के पढ़ाता हूं। सबसे पहली बात इंपोर्ट प्रोसीजर की ये बोलू, इंपोर्ट प्रोसीजर ओडीआई और ईसीबी, इन तीन टॉपिक के अंदर तुमको खुद को जगाए रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कंटेंट वाले टॉपिक है, भयंकर कंटेंट, कंटेंट ही कंटेंट है। ये तीनों टॉपिक एक साल पहले ऐड हुए थे और इन तीनों टॉपिक ने स्टूडेंट की जिंदगी झंड करके रखी है। तो तुमको खुद को जगाए रखना पड़ेगा। मैं कंटेंट के ऊपर कंटेंट पेलते जाऊंगा, एनालिसिस के ऊपर एनालिसिस करते जाऊंगा, पर एब्सॉर्ब करने का काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि काफी टेक्निकल है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। पर मैं मेरे तरफ से इतना प्रॉमिस करता हूं, मैं बेस्ट दूंगा मेरा इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। फेमा में ये लेटेस्ट एडिशन है और ये ऐड करने के बाद में उन्होंने सर्फेस या एक्ट को डिलीट कर दिया है, क्योंकि ये तीन टॉपिक पढ़ाने के लिए ही नियरली 2.5 से 3 लेक्चर्स लग जाते हैं। तो पहले हमारा फेमा, जैसे आज का 8th नंबर का लेक्चर है, तो पहले हमारा फेमा 8th लेक्चर में खत्म हो जाता था, पर ये तीन टॉपिक की वजह से और 2.5 लेक्चर्स बढ़ गए। तो बच्चे मेरे को सवाल पूछते हैं, सर फेमा इतना लंबा क्यों चलता है, 125 पेजेस के नोट्स है फेमा के, ऊपर से भयंकर टेक्निकल वाले टॉपिक है और साथ में ये 8th लेक्चर है, इसमें से पहले 2 लेक्चर तो आपके बेसिक पे गए, तो इफेक्टिव अभी हमारे 6 लेक्चर्स फेमा के आज कंप्लीट होंगे, ठीक है। इसके ऊपर और 2.5 लेक्चर अगर हम बोले, 2 लेक्चर और हम बोले, 2 से 2 या 3 मैक्सिमम बोले, मतलब इफेक्टिव लेक्चर फेमा के हमारे नियरली सिर्फ 9 लेक्चर्स है, पहले 2 बेसिक के। तो बच्चे पूछते हैं, सर फेमा पे इतना समय, आईबीसी पे इतना समय, क्योंकि ये टॉपिक टेक्निकल है और जब तक मैं आपको बेसिक्स नहीं समझाऊंगा, पहले टॉपिक में हमेशा बेसिक समझाते हैं, तो कई जगह पे आपने फेमा में देखना, मैंने आपको बेस 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 वाली चीजें बताई है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट कुछ टॉपिक्स एक्सटेंड होते ही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाद के टॉपिक्स ऑब्वियसली भगाए जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से किए जाएंगे, उसके भी ऑप्शनल लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखना। जो भी आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हो, प्लीज ट्राई कि ये होने के बाद ऑप्शनल लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखो, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो, खुद कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं, पूरा दम लगा देना ये तीनों टॉपिक के ऊपर। आज से हम ये शुरू कर रहे हैं, आज हम इंपोर्ट प्रोसीजर्स नियरली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इफ पॉसिबल तो टुमारो वी विल मूव टुवर्ड्स ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, और डे आफ्टर टुमारो वी विल गो फॉर ओडीआई, ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और परसों के लेक्चर में नियरली हम ये फेमा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। श्योर। सबसे पहली बात, इंपोर्ट प्रोसीजर ये हम जो पढ़ रहे हैं यह है एज पर मास्टर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई एंड डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सो आरबीआई के डायरेक्शन है, साथ में डीजीएफटी के डायरेक्शंस है, ठीक है, एंड डीजीएफटी के इन डायरेक्शंस के साथ साथ में अगर मैं आपको बोलूं तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तरफ से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन के तरफ से, एमसीआई के तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तरफ से, एमसीआई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, मैं वही बोल रहा था, इसका लॉन्ग फॉर्म कहीं गलत ना बोल दूं मैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हम इन डायरेक्शंस को रीड कर रहे हैं, मतलब दीज आर मास्टर डायरेक्शन। अब पहला सवाल ये होता है, मास्टर डायरेक्शन मतलब क्या? नॉर्मली आरबीआई ने इंपोर्ट के खिलाफ कई सारे डायरेक्शन ऑलरेडी इशू किए, बहुत सारे डायरेक्शन आरबीआई इशू कर चुका था, फिर आरबीआई को पता चला यार इतने सारे डायरेक्शन मैंने इशू किए, मैं खुद कंफ्यूज हूं साला कितने डायरेक्शंस दे दिए। तो आरबीआई ने क्या किया, सभी जो इंपोर्ट के अलग अलग स्कैटर्ड डायरेक्शंस थे उनको एक जगह पे जमा किया और एक जगह जमा करके एक ही साथ एक डायरेक्शन दे दिया, बोले मास्टर डायरेक्शन। तुम ये छोटे मोटे बाकी सब डायरेक्शन जो दिए वो सब गए तेल लेने, ये एक सिंपल इंपोर्ट प्रोसीजर का आप डायरेक्शन फाइनल करो, इसी को पढ़ो, ये आपका फाइनल फेज रहा। ये उसने आरबीआई के साथ दिया, आरबीआई ने डीजीएफटी के साथ दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड, इसका जीवन में मेरे को याद नहीं रहता, लास्ट एक साल से पढ़ा रहा हूं इसका, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वही याद करने में जीवन चला गया है मेरा, ठीक है। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, इनके साथ डिस्कस करके डायरेक्शंस दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन हम पढ़ कहां रहे हैं, यह कौन से टाइप का ट्रांजेक्शन है? तो पहली बात मैं आपको मेंशन कर दूं, फेमा के अंदर ट्रांजेक्शन सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और दूसरे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दैट्स ऑल। ये छोड़ के फेमा में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। और जैसे हमने करंट अकाउंट में देखा था, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग सच अ ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स, पॉइंट नंबर वन, पेमेंट इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, और ट्रेड फॉरेन ट्रेड मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हमने जैसे ही खत्म किया, हमने पहले एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स को कंप्लीट किया, और उसी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का एक और पार्ट होता है, दैट इज इंपोर्ट प्रोसीजर। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में पहले आते हैं प्रोहिबिटेड शेड्यूल वन रूल थ्री वाले, फिर आते हैं ट्रांजैक्शन विद अप्रूवल ऑफ सीजी शेड्यूल टू रूल फोर वाले, फिर ट्रांजैक्शन विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई शेड्यूल थ्री रूल फाइव वाले, एंड इंपोर्ट प्रोसीजर के मास्टर डायरेक्शंस, एंड अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जिसके अंदर एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स आते हैं। तो इंपोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर आर नथिंग बट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है, पर ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर होते हैं, इसलिए इनको लिए डायरेक्शंस देना जरूरी है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग फॉर इंपोर्ट प्रोसीजर। सो इंपोर्ट प्रोसीजर ये कोई नई बात नहीं है, इट इज जस्ट अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जिनके लिए अलग से डायरेक्शंस आए हैं, और वो डायरेक्शन दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, साथ साथ में इसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के थ्रू लिया गया है, साथ साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड खुद इन्वॉल्व है इन डायरेक्शंस को बनाने में, और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके साथ में बना है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को किया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को बोला, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो इंपोर्ट के लिए बेटर डायरेक्शंस बनाएं, जो छोटे मोटे स्कैटर्ड डायरेक्शंस है, छोटे मोटे स्कैटर्ड जो ओपिनियंस है, उन सबको एक जगह जमा किए, एक मास्टर ओपिनियन बनाया, मास्टर डायरेक्शन बनाया, और उसको उन्होंने अभी रिलीज किया है। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक की क्रिस्टल क्लैरिटी है क्या? मुझे बताओ फटाफट। यहां तक की क्रिस्टल क्लैरिटी है क्या? मुझे फटाफट बताओ, तुरंत से भी पहले। यहां तक की क्लैरिटी है, मैं क्या पूछ रहा हूं प्लीज बताइए। शर बहुत बढ़िया, शानदार, डायमंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत इस केस में नहीं होगी आई गेस, तो अच्छी बात है। अब मैं बढ़ना चाहूंगा थोड़ा सा आगे, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए तो समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर डिक्लेयर किया है, बड़े अच्छे से सुनना, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और आरबीआई ने मिलकर इंपोर्ट के मास्टर डायरेक्शन इशू किए हैं, पर साथ साथ में इन्होंने डिक्लेयर किए हैं ऐसे सब अथॉरिटीज, बड़े अच्छे से सुनना, साथ में मिलके आरबीआई ने डिक्लेयर किए हैं ऐसे सब अथॉरिटीज जो इन इंपोर्ट्स के ऊपर ध्यान रखेंगे। अब इंपोर्ट के ऊपर ध्यान कौन रख सकता है? थोड़ा सोचना, थोड़ा डीपली सोचना मेरे भाई मेरे बच्चे, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, थोड़ा डीपली सोचना, कौन ध्यान रख सकता है इंपोर्ट के ऊपर? देखो, आपने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए, आपने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए, आपने ये सब इंपोर्ट किए तो आपको पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, और वो भी डॉलर में देना पड़ेगा, और डॉलर में पेमेंट देना है तो जाना पड़ेगा ऑथोराइज पर्सन के पास या बैंक के पास। तो आरबीआई ने बड़े अच्छे से सुना, शांति से, आरबीआई ने बड़े सिंपली, आरबीआई ने बड़े सिंपली जो बैंक्स है उनको ही डिक्लेयर कर दिया कि तुम हमारे सब अथॉरिटीज हो इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट प्रोसीजर्स के लिए ऑथोराइज पर्सन नहीं है। ऑथोराइज पर्सन जो है वो तो है ही, बैंक्स बैंक सब ऑथोराइज पर्सन है, पर उसमें भी एक कैटेगरी आरबीआई ने बना दी कि भैया सिर्फ इंपोर्ट प्रोसीजर्स के लिए ये हमारे सब अथॉरिटीज है, और इन सब अथॉरिटीज को कहा जाएगा ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक्स, इनको कहा जाएगा ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक। मैं आरबीआई हूं, मैं आरबीआई हूं, मैंने अपॉइंट किया एक ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक, और मैंने उस ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक को क्या बोला पता है? सुन, जब तेरे पास इंपोर्टर पेमेंट मांगने के लिए आएगा, जब इंपोर्टर तेरे को बोलेगा मेरे को पैसा दे, बाहर से मैंने गुड्स इंपोर्ट किए हैं, तो तूने तब तक पेमेंट मत देना जब तक इंपोर्ट प्रोसीजर कंप्लायंट ना हो। तो यह जो ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक बोलता है, अच्छा मतलब जब तक के
इंपोर्टर मुझे सब डॉक्यूमेंटेशन नहीं देता, जब तक के सब कंप्लायंसेस मुझे नहीं दिखाता तब तक के मैंने इंपोर्टर का कोई पेमेंट नहीं करना है। आरबीआई बोले एकदम सही समझा मेरे भाई, इंपोर्टर तेरे को उल्लू बनाएगा, अलग अलग फतवे जारी करेगा, तेरे को पूरा बॉटल में उतारने की कोशिश करेगा, मत उतरना, इंपोर्ट प्रोसीजर अच्छे से चेक करना और उसके बाद ही पेमेंट करना। तो यहां पे ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक बोलता है यस सर हमको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, एक पैसा नहीं देंगे सर, एक पैसा, जब तक इंपोर्ट प्रोसीजर पूरी खत्म नहीं होती सर एक पैसा नहीं देंगे। तुम्हारी कसम सर, तुमने हमारे ऊपर विश्वास किया है, तुमने ऑथोराइज पर्सन के ऊपर विश्वास किया था, बहुत अच्छी बात, अब तो हम तो ऑथोराइज पर्सन है ही, हम बैंक है, हम ऑथोराइज पर्सन तो है ही, पर अब हम है ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक, एक पैसा इधर का उधर नहीं जाने देंगे जब तक इंपोर्ट प्रोसीजर खत्म नहीं होता, जब तक इंपोर्ट प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। तो भैया यहां पे आरबीआई ने खुद के जो पेमेंट वाले बैंक्स है उन्हीं को बोला कि भाई तुम ही अथॉरिटी हो और तुमने पेमेंट रिलीज मत करना जब तक प्रोसीजर खत्म नहीं होता। तो इंपोर्टर अब तकलीफ क्या हो गई जिंदगी में, बहुत तकलीफ हो गई है, तकलीफ तपलीफ तपलीफ जो भी बोलो बहुत तकलीफ हो गई है। अब तकलीफ यह हो गई है कि भाई साहब एक्सपोर्ट के लिए एक सेपरेट वेबसाइट आरबीआई ने बनाया था EDPMS एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम .rbi.org.in ये EDPMS एक्सपोर्ट का सिस्टम था। आपको बताया आप जो EDF फॉर्म सॉफ्टटेक्स फॉर्म एक्सपोर्ट के अंदर अपलोड करते थे ये EDPMS वेबसाइट वाले ही है। आप EDPMS वेबसाइट के ऊपर ही अगर फॉर्म अपलोड कर दो आपका एक्सपोर्ट का काम हो जाएगा, ये इतना प्रोसेस आसान चीज है। आरबीआई ने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली भैया एक वेबसाइट बना दी, ठीक है अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अप्रूवल चाहिए तो edpms.rbi.org.in के ऊपर जाओ, कितना लंबा लगा दिया edpms.rbi.org.in इसके ऊपर जाओ, वहां EDF सॉफ्टटेक्स फॉर्म सबमिट करो तो ऑटोमेटिकली वो आरबीआई को मिल जाएगा, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को मिल जाएगा, मोइट को मिल जाएगा, एक कॉपी आपको भी मिल जाएगा। और अगर आपको इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट के लिए पेमेंट चाहिए तो भैया EDPMS का शिफ्ट हो गया IDPMS पे इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसके लिए उन्होंने भाई साहब सेपरेट वेबसाइट बनाया, नाम रख दिया आइसगेट। अब आइसगेट का लॉन्ग फॉर्म कुछ इंपोर्ट थ्रू कमिश कस्टम्स कुत्तुबी कस्टम्स वाला इसका लॉन्ग फॉर्म है, पर अपन इसको आइसगेट बोलते हैं। मतलब भैया आपको एक्सपोर्ट के लिए चाहिए तो EDPMS ठीक है इसके ऊपर डाटा अपलोड करो, अगर आपको इंपोर्ट के लिए पेमेंट करना है आपका इंपोर्ट का पेमेंट निकलेगा ही नहीं भाई, आपका इंपोर्ट का पेमेंट निकलेगा ही नहीं, ठीक है एक्सपोर्ट का पेमेंट आपको मिलेगा ही नहीं जब तक EDPMS के ऊपर आप आपकी फुल वर्केट वैल्यू और डुप्लीकेट फॉर्म वगैरह नहीं मिलता तब तक के। आपके लिए इंपोर्ट का पेमेंट आपका निकलेगा ही नहीं, एडी कैटेगरी वन बैंक आपको पैसा ही नहीं देगा जब तक कि आप बिल ऑफ एंट्री आइसगेट के ऊपर अपलोड नहीं करते। मतलब अभी सिचुएशन क्या है पता है, देखो एक्सपोर्ट में तो यह चीज इतनी ज्यादा अप्लीकेबल नहीं है, ये चीज इतनी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट में हमने इस चीज को पढ़ाई नहीं है। ये तो मैंने आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि एक्सपोर्ट में EDPMS के ऊपर भी आपको डाटा फिल करना पड़ता है गैस तेल लेने, उसका इतना टेंशन नहीं है। तकलीफ यहां पे है जब नॉर्मली कोई इंपोर्टर है वो इंपोर्टर इंडिया में बाहर से कुछ गुड्स इंपोर्ट करता है तो उसका जो बिल ऑफ एंट्री है BOE बिल ऑफ एंट्री, उसने वो बिल ऑफ एंट्री जब तक वो आइसगेट के ऊपर अपलोड नहीं करता तब तक के उसका ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक जो है ना पेमेंट वाला जिससे इंपोर्टर ने कांटेक्ट किया भाई पेमेंट दे दे करके, वो तब तक के पेमेंट नहीं निकालेगा जब तक के बिल ऑफ एंट्री आइसगेट के ऊपर अपलोड नहीं होता और इंपोर्ट के सभी रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं होते। ये डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम करके रखा है। सो मैं इंपोर्टर है, मैंने बाहर से भैया गुड्स इंपोर्ट किए, बिल ऑफ एंट्री बनाया, आइसगेट के ऊपर अपलोड किया, तब ICICI बैंक मेरा पेमेंट रिलीज करेगी मेरे बंदे के लिए जो बाहर का एक्सपोर्टर है उसके लिए। और जब ICICI ये अपलोड हो गया, इंपोर्ट प्रोसीजर्स हो गए कंप्लीट, तो ICICI बैंक पेमेंट करेगी इन डॉलर टू बाहर का एक्सपोर्टर। दिस इज अ सिनॉप्सिस। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अब ये ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक कौन से होते हैं दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी बैंक ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक है, आरबीआई के साइट के ऊपर लिस्ट ऑफ ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक दिया गया है आरबीआई के साइट के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि पूरे बैंक स्पेसिफिक ब्रांचेस ही ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक होते हैं। नाउ व्हाट इज ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक, वो लोग सिर्फ वही बैंक्स जो इंपोर्ट के खिलाफ पेमेंट कर सकते हैं, सिर्फ वो बैंक्स जो इंपोर्ट के खिलाफ पेमेंट कर सकते हैं, वही बैंक्स जो सिर्फ इंपोर्ट के खिलाफ पेमेंट कर सकते हैं उन्हें एडी कैट वन बैंक बोल जाता है, या जो सिर्फ फेमा के अंदर पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि यही एडी कैट वन बैंक इसी में भी पेमेंट करते हैं, इसी भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ODI में भी यही पेमेंट करते हैं। तो एडी कैट वन बैंक ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक, ये आपने याद रखना है
इंपोर्ट ओडीआई और ईसीबी तीनों के लिए, तीनों के लिए याद रखना है, इंपोर्ट ओडीआई ईसीबी तीनों के लिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखो अलग अलग ब्रांचेस है, एबीएन एमरो, अब एबीएन एमरो मतलब पूरी एबीएन एमरो की पूरे इंडिया के सभी ब्रांचेस, एडी कैट वन नहीं है, एबीएन एमरो का ये स्पेसिफिक वाला नरीमन पॉइंट वाला ब्रांच ही एडी कैट वन बैंक है, अबू धाबी बैंक, ये इनके ये जो एड्रेस वाले ब्रांचेस है ना, सिर्फ यही वाले आपके ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी वन बैंक है, ये पूरे बैंक नहीं। जैसे अब यहां लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो पूरे बैंक ऑफ बड़ौदा के पूरे इंडिया के ब्रांचेस एडी कैट वन बैंक नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स वाला एक ही ब्रांच ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक है, ठीक है। तो यहां पूरे ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक की लिस्ट देके रखी है कि कितने ऐसे बैंक हैं जिनसे आप इंपोर्ट के लिए पेमेंट निकलवा सकते हो, यह छोड़ के दूसरे बैंक के ब्रांचेस से आप इंपोर्ट का पेमेंट नहीं करवा सकते, और ये लोग तभी पेमेंट करेंगे जब आपका बिल ऑफ एंट्री आइस गेट के ऊपर अपलोडेड है। यह सिस्टम लगा के रखा है भैया आरबीआई ने, मतलब जब तक बिल ऑफ एंट्री आइस गेट के ऊपर अपलोड नहीं होगा तब तक के इनमें से कोई भी ब्रांच आपके इंपोर्ट के लिए पेमेंट नहीं करेगा, और वो ये भी चेक करेगा कि आपने इंपोर्ट प्रोसीजर ठीक से पास की है क्या। समझ में आया क्या, मुझे जरूर बताइए। मैं इसको थोड़ा नोट्स में से रेफर कर दूं अपने, तो आप देखिए नोट्स में एक मास्टर चार्ट दिया है मैंने, पेज नंबर है 1.43 के ऊपर, यही मैंने ये चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, बाकी प्रोसीजर्स तो आती रहेगी। देखिए कोई इंडियन इंपोर्टर है, उसने बाहर के एक्सपोर्टर से बड़े पैमाने पे गुड सर्विसेज इंपोर्ट किए स्टेप नंबर वन में, इमीडिएटली स्टेप नंबर टू में उसने जो डिटेल्स है वो बिल ऑफ एंट्री के साथ में आइस गेट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए, वहां से एडी कैटेगरी वन बैंक ने पूरे डिटेल्स उठाए, ठीक है, और उसके बाद में एडी कैटेगरी वन बैंक ने एक्सपोर्टर को एक तो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दिया, या तो फिर एडी कैटेगरी वन बैंक ने यह पेमेंट इंपोर्टर को दे दिया यह बोल के कि तू खुद एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दे। हो सकता है ना, हो सकता है दो टाइप के पेमेंट हो, कि भैया अभी इंपोर्ट किया तो अभी पूरा का पूरा पेमेंट आप एक्सपोर्टर को दे दो, बाहर के एक्सपोर्टर को, बाहर के पर्सन को अभी का अभी पेमेंट दे दो, या डिफर्ड पेमेंट भी हो सकता है कि भैया अगले 5 साल में मैं पेमेंट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहर के एक्सपोर्टर से अगर कोई वॉशिंग मशीन इंडिया में परचेस की है, खतरनाक लेवल की वॉशिंग मशीन है, इंडिया में परचेस की है, उसने मुझे वारंटी दिया है 5 साल का, साथ में बोला है कोई रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह होगा वो भी मैं करूंगा, बाहर के सेलर ने मुझे इंडिया में वारंटी दिया है 5 साल का, फॉरेन के सेलर ने इंडिया में वारंटी दिया है 5 साल का, तो मैंने क्या किया, $10,000 की उसकी मशीनरी थी वॉशिंग मशीन, $5,000 उसको डाउन पेमेंट दे दिया, इमीडिएट $5,000 डाउन पेमेंट दे दिया, और बचा हुआ जो $5,000 है वो एक एक साल के गैप में मैं उसको देने वाला हूं, आज 1,000 कल 1,000 परसों 1,000 ऐसे 5 साल के एंड तक $1,000 देने वाला हूं, क्योंकि 5 साल का वारंटी है। अब एडी कैटेगरी वन बैंक को मैंने बिल ऑफ एंट्री के अंदर भैया दिखाया है, एडी कैटेगरी वन बैंक को भाई साहब मैंने बिल ऑफ एंट्री के अंदर दिखाया है कि मुझे तो भाई साहब चाहिए $10,000, ठीक है, मुझे तो भाई साहब चाहिए $10,000, तो एडी कैटेगरी वन बैंक क्या करेगा, यहां से $5,000 सीधा सीधा बाहर के एक्सपोर्टर को दे देगा, और जो बचे हुए $5,000 है वो मुझे दे देगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बाहर के इस एक्सपोर्टर को $1,000 पर ईयर दू जब तक के मेरा वारंटी जिंदा है तब तक के, ये मेरे पास मेरी जिम्मेदारी है कि $1,000 मैं इसको पर ईयर देता रहूं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसके लिए ऑथोराइज कैटेगरी वन बैंक ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्टर को डायरेक्ट पेमेंट कर देगा, जितना उसका ड्यू है वो दे देगा, और जितने का आपका बिल ऑफ एंट्री का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से बचा हुआ पेमेंट आपको दे देगा, क्योंकि कई बार डिफर्ड पेमेंट होता है, कई सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई होती है। यहां तक समझ में आया क्या, मुझे कंफर्म बताइए। ये एकदम बेसिक है इंपोर्ट का, बहुत बेसिक चीज पढ़ाई है मैंने इंपोर्ट की, इसके ऊपर अभी हमको बिल्डिंग बांधना है, ये 100% क्लियर, तो बताइए कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, कृपया प्लीज गो फॉर इट। डायमंड क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार अंकुश, शानदार हिमांशु, रौनक बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है मैंने अभी तक क्या बोला। सबको क्लियर है क्या बोला मैंने, चलो
बहुत बढ़िया। चंदन गुप्ता पूछ रहा है मेरे भाई को लंदन जाना है फॉर एजुकेशन, तो मुझे क्या करना है? चंदन बेटा हम इंपोर्ट प्रोसीजर में हैं, बाकी सवाल फिलहाल यहां पे ना पूछिए, ठीक है? और चंदन गुप्ता फोकस्ड रहिए, मैं देखता हूं नॉर्मली जो पढ़ाता हूं उसके बलते ही सवाल चलते रहते हैं। चंदन बेटा फोकस इंपोर्ट प्रोसीजर के ऊपर, इंपोर्ट प्रोसीजर पर ही ध्यान दीजिए फिलहाल, ठीक है? ये पूछने से सिर्फ आपका मेरा नहीं बाकी सबका भी समय इसके अंदर वेस्ट होगा, ठीक है? चलो नाउ स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। आप क्लास के बाद में चाहिए तो ग्रुप वगैरह के ऊपर ये सवाल पूछ सकते हो, वहां पर मैं आंसर कर दूंगा, बट फिलहाल इंपोर्ट प्रोसीजर की बात चल रही है, कृपया इसी के ऊपर ध्यान दीजिए और क्लास को कृपया यहां करके डिस्टर्ब ना कीजिए। लेट्स गो। सो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी वन बैंक जो है वो पेमेंट करने के पहले क्या इंश्योर करता है? ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी वन बैंक शॉल इंश्योर इंपोर्ट एज पर द पॉलिसीज। तो क्या क्या ये इंश्योर करेगा? सबसे पहली बात, सबसे पहले ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी वन बैंक ने आप वन बैंक ने आपको जो फॉरेन करेंसी दिया है एफसी, इंपोर्टर को जो फॉरेन करेंसी दिया ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी वन बैंक ने, ये एडी कैटेगरी वन बैंक ने ये इंश्योर करना है कि ये डिक्लेयर्ड पर्पस के लिए ही यूज हो रहा है। मतलब यहां पे भैया इंपोर्टर ने बोला कि भैया ये मैं सिर्फ एक्सपोर्टर को पेमेंट करने के लिए दूंगा, या तो फिर बाहर के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए दूंगा, या तो फिर जो बाहर का पर्सन है उसने तो मेरे को वॉशिंग मशीन भेज दिया, ऊपर से एक मेंटेनेंस सर्विस वाला है वो मुझे मेंटेनेंस देने वाला है, तो इसको मैं भैया $5,000 देने वाला हूं और मेंटेनेंस सर्विस वाले को 5,000 देने वाला हूं। तो आपने जो पर्पस डिक्लेयर किया है बस उसी के लिए आपने ये डॉलर यूज करना है, फालतू चीजों के लिए डॉलर यूज करना अलाउड नहीं है। 640 बिलियन का रिजर्व है माना, पर डिस्क्लोजर इज इंपॉर्टेंट, फेमा इज रिजर्व रिगार्डिंग डिस्क्लोजर। तो जिस चीज को आपने डिस्क्लोज किया है, जो डिक्लेयर किया है पर्पस, कृपया उसी के लिए यूज करें, ठीक है? जो ऑथराइज पर्पस है कृपया बस उसी के लिए यूज करें, यह चेक करने का काम ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक का है, ठीक है? तो आपको अगर समझो ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक ने $5,000 दे दिया एक्सपोर्टर को और $5,000 दिए है आपको एक एक साल में पे करने के लिए, तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक आपको रिसीट मांग सकता है $1,000 की हर ईयर। आप $1,000 पर ईयर एक्सपोर्टर को देने वाले हो बाहर के, तो आपको $1,000 पर ईयर की रिसीट ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी। यह ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक आपसे इंश्योर करेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यह ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक आपसे चेक करेगा। दूसरा, एडी कैट वन बैंक शॉल इंश्योर एविडेंस ऑफ अ इंपोर्ट। आपकी बिल ऑफ एंट्री जो आइसगेट के ऊपर अपलोडेड है उससे एडी कैट वन बैंक एविडेंस लेगा कि हाँ सच में इंपोर्ट किया है, या ये हवाला वाला ट्रांजेक्शन है, आया गया कुछ नहीं और सिर्फ पैसा बाहर जा रहा है, ये इंश्योर करेगा। साथ में वैल्यू ऑफ इंपोर्ट वो बिल ऑफ एंट्री से देखेगा और इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर ये अपडेट कर देगा, आइसगेट के वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर देगा कि वेदर ये जेन्युइन इंपोर्ट है या नहीं है। साथ में जो पेमेंट मोड है उसके लिए ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक आपको इंटरनेशनल कार्ड दे सकता है, ठीक है? कि आपने भैया पेमेंट के लिए पैसा मांगा और आपने एडी कैट वन बैंक को रुपीस दिए। देखो एडी कैट वन बैंक आपको फ्री में डॉलर नहीं देने वाला है, उतने पहले आपको रुपीस एडी कैट वन बैंक को देने पड़ेंगे। तो समझो मैं इंपोर्टर हूं, मैं एडी कैट वन बैंक को बोला कि यार मेरे को ना $10,000 चाहिए, एडी कैट वन बैंक ने सीधा हिसाब लगाया भैया $10,000 मल्टीप्लाइड बाय 70 रुपए, ठीक है, तो हो गए 7 लाख रुपए। तो मैंने 7 लाख रुपए उठा के दे दिए एडी कैट वन बैंक को, एडी कैट वन बैंक ने ये जमा किए उसके अकाउंट में, ठीक है, मेरे लिए एक अकाउंट ओपन किया और उसके बदले में मेरे को एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दे दिया कि भैया आप इस डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, आप इस कार्ड से पेमेंट कीजिए और ये आपका वैलिड पेमेंट माना जाएगा। तो आपको जो पेमेंट करना है ना भाई साहब, ये इंटरनेशनल कार्ड। अब इंटरनेशनल कार्ड मतलब सर कौन सा कार्ड? अभी अगर आपके पास वॉलेट होगा या नहीं होगा तो अभी आप चेक कर सकते हो जाके, आपके वॉलेट के अंदर जो डेबिट कार्ड पड़ा है उसके ऊपर वीजा या मास्टर कार्ड लिखा हुआ होगा या अमेरिकन एक्सप्रेस मैक्स। वीजा या मास्टर कार्ड अगर आपके कार्ड के ऊपर लिखा है तो दैट इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल कार्ड, उसको इंटरनेशनल कार्ड कहा जाता है। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और इंटरनेशनल, तो आप इसके थ्रू इंपोर्टर को पेमेंट कर सकते हो। तो आपने क्या किया? बहुत सिंपल, आपने 7 लाख रुपए लिए, आपने दिए एडी कैट वन बैंक को, एडी कैट वन बैंक ने उसको डॉलर में कन्वर्ट किया, एक अकाउंट में जमा किया और आपको एक इंटरनेशनल कार्ड दे दिया, भाई ये लो इससे आप बाहर के एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देना। मैं हूं, मैंने भैया कार्ड लिया, मैंने एक्सपोर्टर से पूछा भाई पेमेंट करूं क्या, उसने मेरे को बैंक डिटेल दिए, मैंने कार्ड नंबर डाला, डिटेल डाले और उसके बैंक को पेमेंट कर दिया, सिंपल एज दैट। या दूसरे भी किसी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो जो आरबीआई अलाउ करेगा, पर वो प्रॉपर बैंकिंग मेथड होना चाहिए, कैश वैश नहीं चलेगा, इसको हवाला माना जाएगा अगर आप कैश में कर रहे हो। तो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करना है, ये एडी कैट वन बैंक ने इंश्योर करना है। उसके एडिशन में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे हो, इसका हेडिंग यहां पे इन्होंने अदर मोड बोला है, इसका हेडिंग यहां पे इन्होंने अदर मोड बोला है, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अदर मोड इसका हेडिंग नहीं होना चाहिए, इसका एक हेडिंग होना चाहिए अदर एक्सपेंसेस। हो सकता है ना कि इस इंपोर्ट से रिगार्डिंग आप एंसिलरी एक्सपेंसेस कर रहे हो,
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप जिसके थ्रू इंपोर्ट कर रहे हो, मैं था इंडिया का पर्सन दर्शन, बाहर का जो पर्सन मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है ना, जिससे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, उसका नाम है पीटर। लड़का होगा तो पीटर, लड़की होगी तो पिटरी। सो बाहर की लड़की थी भाई पिटरी, ठीक है। मैं उससे वॉशिंग मशीन इंपोर्ट करने वाला था, इसलिए विजिट के लिए मैंने उसको इंडिया बुलाया। मैं बोला पिटरी आप इंडिया आ जाइए, या पीटर आप इंडिया आ जाइए। नाउ पीटर पिटरी इंडिया आ गए, इंडिया में अब मैंने बुलाया है मेरी वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, खर्चा मुझे करना पड़ेगा इंडिया में, और इंडिया में खर्चा मैं रुपीज में कर सकता हूं, डॉलर में करने की जरूरत नहीं है, इंडिया में आया है ना वो, मैं थोड़ी ना बाहर गया हूं। तो इसके लिए पीआरआई कैन मेक एन एक्सपेंसेस फॉर पीआरओआई ऑन विजिट टू इंडिया इन रुपीज फॉर देयर बोर्डिंग, पीटर पिटरी के बोर्डिंग लॉजिंग के लिए, उनके रिलेटेड सर्विसेस ट्रैवलिंग वगैरह के लिए, ट्रैवल टू एंड फ्रॉम, ठीक है, या थोड़ी बहुत और जो सर्विसेस, ऑटो रिक्शा टैक्सी वैक्सी जो भी थोड़ी बहुत लगती है, उसके लिए आप रुपीज में कर सकते हो। और एडी कैट वन बैंक ये भी इंश्योर करेगा कि आपने एक्सपेंडिचर रुपीज में ही किया और आपने उसको डॉलर नहीं दिया है, क्योंकि अगर इनके खर्चे के ऊपर डॉलर इंडिया में वेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट एक्सचेंज के ऊपर बर्डन आ जाएगा, तो ये इंश्योर करेगा एडी कैट वन बैंक। दूसरा, फॉर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर पेमेंट इन रुपीज थ्रू क्रॉस चेक और डिमांड ड्राफ्ट चल जाएगा। जैसे पीटर पीटरी बाहर से आ रहे हैं, आपने उनको बोला यार वहां पे सोना, जैसे दुबई से आ रहे हैं समझो, आपने शायद सुना होगा दुबई में खरा सोना मिलता है और सस्ता सोना मिलता है, तो आपने उनके थ्रू गोल्ड इंपोर्ट करवाया इंडिया में, गोल्ड और सिल्वर। अब आप उनको पेमेंट करना चाहते हो तो ये कैश में भी नहीं, ये चेक में, रुपीज में आप उनको कर सकते हो, या आप उनको रुपीज में चेक में कर सकते हो, जब वो वापस बाहर जाएंगे पैसा लेके तो वो डॉलर में कन्वर्ट करके लेके जाएंगे, पीटर पिटरी अपना अपना कन्वर्जन करके लेके जाएंगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां पे जब तुम सोना एक हाथ लोगे तो दूसरे हाथ आप चेक दोगे या कोई प्रॉपर बैंकिंग नोट दोगे जो वो डॉलर में कन्वर्ट करके लेके जा सकते हैं। इसके एडिशन में कंपनी कैन पे एनएडी पीआरओआई इन रुपीज, जो कंपनी है वो एनएडी को, पीआरओआई एनएडी है कोई, तो उसको रुपीज में रेम्यूनरेशन कमीशन सेटिंग फीस दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है और मेरा एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने बाहर ही रखा है, दर्शन इस्पात लिमिटेड कंपनी का मेरे नाम है, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का रेंट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक है मेरी कंपनी का, और मैंने मेरे कंपनी का एक्सपोर्टर एक बंदा बाहर ही रखा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सिर्फ एक्सपोर्टर्स को जमा करने के लिए, एक्सपोर्टर्स को जमा करने के लिए मैंने बाहर रखा है, ठीक है। अब वो एनईडी बाहर का ही है, मैंने बाहर के ही पर्सन को एनईडी करके अपॉइंट किया, मैंने बाहर जैपनीज पर्सन था कि तो लैंग्वेज होती है ना, जापानीज लैंग्वेज ऐसी होती थी, सागी सामे हरी कुतुकता, तो उसका नाम ऐसे कुछ तो भी था, चीन चौ लो, ठीक है। और मैंने उसको बाहर जापान में अपॉइंट किया कि भाई तू बाहर ही कोई एक्सपोर्टर ढूंढ जो हमको यहां इंडिया में मशीनरी भेजे। अब वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भाई साहब इंडिया में आ रहा है विजिट के ऊपर, एक्सपोर्टर को ढूंढ ढांड के कॉन्ट्रैक्ट करके इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, बताने के लिए कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसका रेमुनरेशन कमीशन सिटिंग फीस उसके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये एनईडी पीआरओआई के मैं रुपीज में दे सकता हूं। तो भैया खुद एक्सपोर्टर आया तो उसका खर्चा, एक्सपोर्टर गोल्ड सिल्वर लेके आया तो उसका खर्चा, और मेरा कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी का जो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करके इंडिया में वापस आ रहा है, वापस बाहर जाने वाला है, पीआरओ आया है, तो उसका खर्चा, ये सब मैं जो करूंगा इसके ऊपर एडी कैटेगरी वन बैंक की नजर रहेगी और उसको अदर एक्सपेंसेस में मान लिया जाएगा। समझ में आया क्या मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है क्या, डायमंड क्लियर है क्या बताइएगा, कोई क्वेरी है तो कृपया पूछ लीजिएगा। और इसके नीचे मैंने टेक्स्ट उसी फॉर्म में दिया है, उसी फॉर्म में पूरा टेक्स्ट दिया है क्या गाइडलाइंस वगैरह होनी चाहिए, कृपया इसको एक बार रीड कर लीजिए अगले डायग्राम तक के कृपया इसको रीड कर लीजिए, यहां तक के फटाफट एक बार रीड कर लीजिए, समझ में आ रहा है कि मुझे मेंशन करना, गो फॉर इट फास्ट। प्रॉपरली क्लियर है क्या कृपया बताइए, थैंक सो मच चंदन बेटा, सब जन कमेंट कीजिए कृपया और बाद में रीडिंग कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लियर है क्या।
रीड करने के बाद डन बोल दीजिएगा प्लीज। एक्सपोर्टर के लिए आप एक्सपेंसेस करोगे, अंकित ने पूछा एक्सपोर्टर के लिए आप एक्सपेंसेस करोगे तो वो रीइंबर्स होंगे क्या? कोई गारंटी नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन आपका और एक्सपोर्टर का एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है रीइंबर्स करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। हम ऐसे यहां बैठ के नहीं बोल सकते कि क्या होगा, पर नॉर्मली जब मेहमान इंडिया में आता है तो अपन खुद खर्चा करते हैं तो उससे वापस नहीं मांगते, अरे भाई तेरे खाने का खर्चा होटल का खर्चा दे, हो भी सकता है डिपेंडिंग ऑन एग्रीमेंट। ठीक है, रीड होने के बाद डन बोल दीजिएगा प्लीज। पढ़ना हो जाए पूरा का पूरा तो डन बोल देना, पूरा पढ़ना है बेटा आपको, अदर मोड्स तक के पूरा पढ़ना है, पेज नंबर 1.45 अदर मोड्स तक के आपको सब पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्लीज उसको बोलना, प्लीज पढ़ लेना, डन बोल दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। जैसे अंकित की क्वेरी है, सर एडी कैटेगरी वन बैंक जो है वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के रुपीज के पेमेंट को क्यों मॉनिटर कर रही है, हवाला के चांसेस ना हो इसलिए, क्या भरोसा एक्सपोर्टर इंपोर्टर यहां पे आया हो और आप उसको रुपीस दे रहे हो बदले में वो आपको डॉलर देके जा रहा हो, इसलिए उसको भी मॉनिटर करना जरूरी है। अंकित का ये डॉक्टर डी प्रणीत का सवाल था, अंकित का सवाल है आइसगेट पर डॉक्यूमेंट अपलोड इंपोर्टर के बिहाफ पे, पर उसका बैंक भी कर सकता है क्या? नहीं, नॉर्मली इंपोर्टर ही नॉर्मली इसको आइसगेट के ऊपर अपलोड करेगा और उसका ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक खुद होगा तो उसके बैंक के ऊपर वो कर सकता है, बाकी बैंक्स के ऊपर वो नहीं कर पाएगा, बाकी बैंक उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तीसरा हिमांशु गोयल का सवाल है, हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स व्हेन इंपोर्ट इज मेड इन एडवांस पेमेंट, अगर एडवांस पेमेंट है फिर भी बिल ऑफ एंट्री आप पहले जनरेट कर सकते हो, एडवांस पेमेंट में भी बिल ऑफ एंट्री पहले जनरेट होता है, वो सबमिट किए बगैर आप एडवांस पेमेंट कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है सब? आप कितने भी दिनों बाद नॉर्मली गुड्स इंपोर्ट वगैरह कर रहे हो, बिल ऑफ एंट्री जनरेट करवा लो, एडवांस पेमेंट करवा दो, फिर गुड्स आएंगे तो उस वक्त आप बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से उस गुड्स का पोजिशन ले लेना। ठीक है, सवाल है अंकुश का, एनएडी सिर्फ फॉरेन में एक्सपोर्टर्स को अरेंज करता है? एनएडी मतलब डायरेक्टर है, वो कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ वो एक्सपोर्टर को अरेंज ही करेगा, मैंने सिर्फ एज ए एग्जाम्पल बोला कि उसमें से एक काम ये हो सकता है। पूरा का पूरा रीड करना, कंफर्म करना डन करके। श्योर, डन एवरीबॉडी, दो चार लोगों का डन हुआ है और पांच छह लोग कृपया डन कर दीजिए तो आगे बढ़ जाएंगे।
दस बारह लोगों का डन हुआ है, तो आई गेस रीडिंग डन हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब भैया हमने इंपोर्ट तो कर लिया, अब सवाल है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट्स। इंपोर्ट के हम जो पेमेंट करते हैं उसके लिए कितना टाइम लिमिट दिया है फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट, ये यहां का सवाल है। देखते हैं कितना पेमेंट आपको कितने समय के अंदर करना पड़ेगा। नॉर्मली बोला गया है अगर एडवांस इंपोर्ट है, एडवांस पेमेंट ऑफ इंपोर्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नॉर्मली बोला गया है कि इंपोर्ट करते से ही आपने 6 मंथ्स के अंदर सेटलमेंट कर देना जरूरी है फॉर नॉर्मल इंपोर्ट। जैसे ही इंपोर्ट हो गया सेटल इट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द नॉर्मल केस। फॉर नॉर्मल इंपोर्ट्स अगर आपके परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह दिया गया है तो उसके हिसाब से विथहोल्ड कर सकते हो। परफॉर्मेंस गारंटी मतलब किसी ने अगर मेंशन किया है कि भाई ये गुड्स परफॉर्म करने वाले अगले 2 साल तक के, और आप चाहे तो पेमेंट हमको अगले 2 साल तक डिफर्ड लेवल पे करना। जैसे वॉशिंग मशीन 5 साल तक चलने वाली थी तो हमने 1-1 साल 5 साल दिया, वैसा कोई परफॉर्मेंस गारंटी है तो आप डिले कर सकते हो पेमेंट में एज पर द शेड्यूल। डिले इन पेमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने वॉशिंग मशीन भेज दी, एकदम घटिया क्वालिटी की निकली, चली नहीं रही है, हमारा डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट कोर्ट में आर्बिट्रेशन में चला गया है, डिस्प्यूट सेटल नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कितने दिनों में आपने पेमेंट करना जरूरी है, कितना डिले पेमेंट में अलाउड है। एडी कैटेगरी 1 बैंक पेमेंट जो डिले है पेमेंट का वो अलाउ कर सकती है, और इंटरेस्ट अप टू 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट एट पर द रेट ऑफ ट्रेड क्रेडिट दे सकती है। ठीक है, इंटरेस्ट 3 साल तक के देना अलाउड है अगर आपका पेमेंट डिले होता है तो, पर मैक्सिमम 3 साल तक के ही इंटरेस्ट देना अलाउड है। मतलब मैक्सिमम टोटल एक्सटेंशन आपका 3 साल का ही होगा, 3 साल का ही मैक्सिमम टोटल एक्सटेंशन होगा, 3 साल तक के ही एडी कैट 1 बैंक यहां पे इंटरेस्ट अलाउ करती है अगर आपका कोई डिस्प्यूट है या कोई पेमेंट में डिले है तो। उससे ज्यादा एडी कैट 1 बैंक आपको इंटरेस्ट के लिए अलाउ नहीं करेगी। अगर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है 4th-5th साल तो अलाउड ही नहीं है, 3 साल में भैया खत्म करो चीजों को, उससे ज्यादा अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, अब माना इसके अंदर गवर्नमेंट का लॉस है, एक्सचेकर का लॉस है, माना इसके अंदर गवर्नमेंट का पैसा इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा जाएगा, पर अगर डिस्प्यूट है और अगर फायदा हो सकता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको पे करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट है और गवर्नमेंट का फायदा हो सकता है, पेमेंट वगैरह कम हो सकता है, तो गवर्नमेंट इसको पे करने के लिए रेडी है, गवर्नमेंट बोलता है ठीक है। टाइम लिमिट आपका एक्सटेंशन का है 3 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम 3 ईयर्स एक्सटेंशन है, पर एक साथ आपको 3 साल का परमिशन नहीं मिलता, आपको 6-6 महीने का परमिशन मिलते रहता है। एक सेकंड होल्ड करना, कुछ बच्चे को हो गया मेरे। तो ऐसा नहीं है आपको डायरेक्ट 3 साल का पेमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको एक साथ 3 साल का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आपको 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिलता रहेगा और मैक्सिमम एक्सटेंशन 3 साल का है। अब मेरा सवाल यहां पे ये आता है, थोड़ा सा मुझे बोलना कि ओरिजिनल आपको सेटलमेंट 6 मंथ्स में करना है और एक्सटेंशन 3 साल का है, तो मेरा सवाल यह है ये 3 साल ओरिजिनल 6 मंथ्स मिला के 3 साल है या ये 3 साल ओरिजिनल 6 मंथ्स के एडिशन में 3 साल है। मतलब टोटल पीरियड 3.5 साल का है या ये 6 महीने इंक्लूडिंग सिर्फ 3 साल का है, क्या लगता है आपको जरा कमेंट करके बताइए कि एक्सटेंशन वाला पीरियड इंक्लूडिंग ओरिजिनल पीरियड है या ये एक्सेस पीरियड है अबव 6 मंथ्स, प्लीज बताइए जरा। इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है, सबजन मिला के बोल रहे, सबजन इंक्लूसिव बोल रहे, पढ़ लिया क्या जीवन में तुमने, है ऑलरेडी पढ़ लिया क्या, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पे मैं आपको मार्क करके देता हूं, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सो यहां पे जो बोला गया है सेटलमेंट शॉल नॉट बी कंप्लीटेड फॉर नॉट लेटर देन 6 मंथ्स, यहां पे बोला है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट बोला है, फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, ये जो डेट ऑफ शिपमेंट लिखा गया है दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट आपका 6 मंथ्स के अंदर सेटलमेंट होना चाहिए, यह मेंशन किया गया है यहां पे। और अगर आप नीचे देखो एक्सटेंशन के लिए, तो यहां पे एक्सटेंशन बोला गया है
पीरियड अप टू 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब आपको 3 साल का एक्सटेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ही मिल रहा है। मतलब यहां पे भी मेंशन किया गया है फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, इसका मतलब यह है कि आपके ये जो 3 ईयर्स है दैट इज इंक्लूडिंग 6 मंथ्स, मतलब टोटल 6 मंथ्स का जो आपका पीरियड है वो 3 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। इसके पहले इसके बारे में कुछ अलग चीजें थी। लास्ट यूट्यूब लेक्चर जो मैंने लिया था इंपोर्ट प्रोसीजर के ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसके अंदर इस चीज को उस वक्त के डिपार्टमेंट के क्लैरिफिकेशन के हिसाब से, उस वक्त के क्लैरिफिकेशन के हिसाब से मैंने मेंशन किया था कि इट इज 3 ईयर्स प्लस 6 मंथ्स प्लस, ऐसा नहीं है। अब यह क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दे दिया है कि यह 3 साल इंक्लूडिंग ओरिजिनल 6 मंथ्स है। सो यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा ओरिजिनल 6 मंथ्स, सो 3 ईयर्स इंक्लूडिंग ओरिजिनल 6 मंथ्स, 3 साल आपको अलाउड है इंक्लूडिंग ओरिजिनल 6 मंथ्स, ओरिजिनल 6 मंथ्स को इंक्लूड करके 3 साल अलाउड है, ठीक है। इतना एक्सटेंशन आपको सेटलमेंट के लिए मिल सकता है। अबाउ एक्सटेंशन इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्प्यूट डिलेज फाइनेंशियल डिफिकल्टी, वो अब आपका प्रॉब्लम जीवन के अंदर कि आप डिले डिस्प्यूट फाइनेंशियल डिफिकल्टी क्या फेस कर रहे हो, तेल लेने गया हम मैक्सिमम 3 साल देंगे, उस साल में खत्म करो, चौथे साल में कोई पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। इन द केस ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर आरबीआई कैन गिव अ स्पेसिफिक एक्सटेंशन, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर आरबीआई आपको अलग एक्सटेंशन दे सकता है। जैसे आरबीआई ने कट डायमंड्स के केस में एक्सटेंशन देके रखा है भैया 90 डेज/180 डेज प्लस 180 डेज का, कुछ कट डायमंड केस जेम्स वगैरह के केस में 90 डेज प्लस 180 डेज मिलता है, कुछ पॉलिश डायमंड्स वगैरह के केस में 180 डेज प्लस 180 डेज मिलता है। इसके लिए भी आरबीआई ने स्पेसिफिक सर्कुलर्स निकाल के रखे हैं कि कौन से केसेस में कट डायमंड वगैरह के केस में आपको ये 180 डेज वगैरह का सिचुएशन बन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आरबीआई ने मेंशन करके रखा है वो कैटेगरी जो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं सिर्फ यहां रेगुलेशन ढूंढ रहा हूं आरबीआई का 180 डेज का यहां कुछ बोला है क्या, आई गेस यहां पर भी नहीं बोला है, मैंने ये जानबूझ के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अपने इसमें बोला क्योंकि लास्ट टाइम तो नोट्स में ये था नहीं, ना ही मॉडल में था। तो ये स्पेसिफिक जो है कट डायमंड्स वगैरह के सिचुएशन में आपको एक्सटेंशन 180 डेज के ऊपर ऑल एडिशनल मिल सकता है, और ये स्पेसिफिक एक्सटेंशन होते हैं, इनका इन 3 साल के एक्सटेंशन के साथ कोई लेन देन नहीं रहता। नॉर्मली डायमंड वगैरह ये ऐसे मटेरियल्स है जिसके खिलाफ कैश पेमेंट करना पड़ता है कि भैया इंपोर्ट किया इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है, तो उन सिचुएशन में 3 साल नहीं, उन सिचुएशन में 180 डेज 6 महीने बहुत ज्यादा हो गए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो सिंपल सी बात है कि भैया अगर आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम चाहिए तो ओरिजिनल 6 मंथ्स मिला के मैक्सिमम 3 ईयर्स हो सकता है, और वन टाइम एक्सटेंशन 6 मंथ्स का ही मिलेगा। मतलब आपको 3 साल का जो एक्सटेंशन चाहिए वो 6 मंथ्स ऐसे आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये चीज को आपने याद रखना। आगे ये चीज होने के बाद में लास्ट वाला फॉर डिफर्ड पेमेंट एग्रीमेंट, अगर आपका डिफर्ड पेमेंट है कि हर साल आप कुछ कुछ पेमेंट कर रहे हो, ऑलरेडी अग्रीड डिफर्ड पेमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग सप्लायर एंड बायर्स क्रेडिट, अगर आपने सप्लायर बायर क्रेडिट क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले पर्सन ने आपको सेल किया है, आपने उसको क्रेडिट नोट देके रखा है कि भाई अगले 5 साल के लिए ये 5 क्रेडिट नोट रख ले $1,000 की, तो मैक्सिमम 5 साल तक के आप ये क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो, विल बी ट्रीटेड एज ट्रेड क्रेडिट एड पर ECB गाइडलाइंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इसको माना जाएगा, और हर साल आपको वो बोरोइंग एक एक 1000 रुपीज के हिसाब से रीपे करना पड़ेगा। आगे जाके ECB का भी हमको रेगुलेशन आने वाला है, उसके अंदर यह चीज आएगी। सो सिंपल बात है, वापस बोलता हूं, 10,000 की वॉशिंग मशीन हमने खरीदी, ठीक है, 5,000 अभी के अभी पे किए, 5,000 अगले 5 साल में $1,000 के हिसाब से पे करने हैं, अगले 5 साल में $1,000 के हिसाब से हमको पे करने हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम 5 साल का क्रेडिट उठा लेंगे $1,000 का, और हम उसको ऐसे पे करेंगे जैसे हम लोन के इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब लोन के इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। क्लियर है? इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम का चार्ट, ठीक है। ये सब चीजें नीचे मैंने मेंशन करके रखी है, ठीक है, बस ये इतना वाला पोर्शन कृपया एक बार सिर्फ रीड कीजिए, उसके आगे का कृपया रीड मत कीजिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं साथ में करूंगा, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन कृपया रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या? मुझे जरूर बोलिएगा प्लीज। एक्सटेंशन विदाउट इंटरेस्ट भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता बेटा दिशा, 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता।
पढ़ना हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज। हो गया सबका? चलो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज ब्रेक थोड़ा जल्दी ले लो, पता नहीं बच्चे को क्या हो गया मेरे, सो ब्रेक जल्दी ले लो 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद में हम मिलते हैं, ठीक है? 10-15 मिनट्स का ब्रेक ले लो, खाना खा लो और उसके बाद में हम मिलते हैं, गो फॉर इट फास्ट।
चलो गाइस आ जाइए वापस फटाफट फटाफट, अगर वापस आ गए हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा रेडी करके, सो इमीडिएटली आगे बढ़ जाएंगे अपन। प्लीज टेल मी यू आर बैक, ठीक है प्लीज टेल मी यू आर बैक, फटाफट बताइए यू आर बैक। बहुत बढ़िया शानदार। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। एक सवाल चंदन गुप्ता ने जाने के पहले पूछा था, इंटरेस्ट पेबल का मतलब क्या है? इंटरेस्ट पेबल का बहुत सिंपल मतलब है कि अगर आप प्रॉपर 6 मंथ्स के अंदर ट्रांजेक्शन सेटल नहीं करते तो नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि बाहर का जो एक्सपोर्टर है वो आपसे इंटरेस्ट मांगे। तो अब आप ये इंटरेस्ट कब तक पे कर सकते हो? आपने उसका पेमेंट 6 महीने के अंदर नहीं किया तो हो सकता है बाहर का एक्सपोर्टर जो है वो आपके को इंटरेस्ट मांगे। तो ये इंटरेस्ट आप कब तक पे कर सकते हो? तो ये 3 साल तक के आप उसको इंटरेस्ट पे कर सकते हो। दिस इंटरेस्ट पेएबल ऑन द रेमिटेंस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है ये चीज को याद रखना। अब ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए तो समझना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मेनली उसके बाद में मेंशन किया गया है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट दिया है, यह चार्ट बाद में समझ में आएगा, जस्ट पहले रीड करते हैं। लिमिट ऑफ एक्सटेंशन यहां पे मेंशन किया है और बोला गया है कि आपको एट अ टाइम 6 मंथ्स का ही एक्सटेंशन मिलेगा जो मैक्सिमम अप टू पीरियड ऑफ 3 ईयर्स होगा। यह तो हमने ऑलरेडी असेस कर लिया। और इसी के अंदर आपको आपके डिस्प्यूट्स देखने हैं, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स देखने हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देखने हैं, सब इसी के अंदर आपको देखने हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कट पॉलिश रफ डायमंड्स के केस में आरबीआई स्पेसिफिक एक्सटेंशन ऑफ टाइम बोल सकता है, तो उसका एक लिस्ट है, वो आरबीआई खुद डिक्लेयर करेगा, अपने सिलेबस में वो लिस्ट नहीं है। एक्सटेंशन आपको कब दिया जा सकता है, ये 6-6 महीने का एक्सटेंशन आपको कब दिया जा सकता है? पहला, आपको एक्सटेंशन तभी दिया जा सकता है जब आपका इनवॉइस इज नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। आपका जो इनवॉइस है ये नॉट अंडर द इन्वेस्टिगेशन है, आपका इनवॉइस ये डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन में नहीं है तो एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब अगर ये इन्वेस्टिगेशन में होगा तो कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, फिर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, सेंट्रल ब्यूरो ये डिसाइड करेंगे कि आप कब पेमेंट करने वाले हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन है तो पेमेंट तो इनके हिसाब से होगा ना। तो यहां लिख के रखो पेमेंट एज पर दीज अथॉरिटीज, पेमेंट और सेटलमेंट एज पर दीज अथॉरिटीज। ठीक है ये यहां पे मेंशन करके रखा है। दूसरा, व्हाइल कंसिडरिंग एक्सटेंशन, ये खास कंडीशन है, इसको स्टार मार्क करना, इसके ऊपर हमको एक बड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, पहले ही स्टार मार्क करना और बड़े प्यार से इसको पढ़ना, बड़ी काम की चीज है बच्चों। हाँ बड़ी काम की चीज है, सब जन आगे, एक सेकंड होल्ड, मेरा लाइव स्ट्रीमिंग का कुछ लोचा हो गया है। ओके सो बड़ी काम की चीज है, इसको बड़े प्यार से पढ़ना। While considering extension beyond 1 year from the date of remittance, आपको 3 साल का extension allowed है और उसमें से आप extension 1 साल से ज्यादा का मांग रहे हो, मतलब 6 months के 2 extension आपने utilize कर लिए, original 6 months और 1 extension utilize कर लिया, और एक third second extension आप मांग रहे हो। देखो पहला तो original था, 6 months हो गए, दूसरा extension आपने मांगा 1 year हो गया, अब आप second वाला extension मांगने जा रहे हो, पहला original, दूसरा extension, मतलब फर्स्ट एक्सटेंशन और फिर सेकंड एक्सटेंशन मांगने जा रहे हो, मतलब 1 ईयर के ऊपर का आप एक्सटेंशन लेने जा रहे हो। तो बोला है आपका टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ द इंपोर्टेड नॉट एक्सीड्स 1 मिलियन और 10% ऑफ एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स। बड़े अच्छे से इसकी तरफ ध्यान देना, बड़े अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो भैया एक और बार पढ़ लो, मन के मन में पढ़ लो, ठीक है मन के मन में पढ़ लो, पर बड़े अच्छे से ध्यान देना, पढ़ लो 1 मिनट के लिए मन के मन में, पर बड़े अच्छे से ध्यान देना कि क्या कह रहा हूं, पढ़ लो एक बार।
समझ में आ रहा है क्या? कृपया मुझे कमेंट करके भी बताना समझ में आ रहा है क्या, पर बड़े अच्छे से पढ़ लो, बहुत काम की चीज बोली है भाई। समझ में आ रही है क्या? कमेंट करके बताइए प्लीज। 34 लोग ज्वाइन हुए थे, 31 ही बचे, तीन कहां भाग गए नालायक। ओके, समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे आइडिया था इसलिए उसको स्टार मार्क करवाया है। सिंपली इतना समझो कि भैया आपको एक साल के ऊपर एक्सटेंशन चाहिए तो आपका जो आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, वो इस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना। इस लिमिट मतलब जो भी लिमिट होंगी देख लेंगे कि भैया $1 मिलियन और 10% ऑफ पिछले दो साल का, पिछले दो फाइनेंशियल ईयर का इंपोर्ट रिमिटेंस, ठीक है, एवरेज इंपोर्ट रिमिटेंस ऑफ प्रीवियस टू ईयर, बस इतना समझ लो। आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल आएगा, जस्ट वेट, थोड़ी देर के लिए वेट करो। वेयर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट हैज बीन ग्रांटेड बाय एडी, द डेट अप टू विच द एक्सटेंशन हैज बीन ग्रांटेड मे बी इंडिकेटेड इन रिमार्क्स कॉलम। नॉर्मली फॉर्म वगैरह जो होता है इंपोर्ट का, उसके रिमार्क्स कॉलम में आपको मेंशन करना है कि एडी ने डेट मेंशन किया है। एक्सेप्शनल केसेस में आपको लिमिट के बाहर एक्सटेंशन वगैरह कंसिडर किए जाते हैं आरबीआई की तरफ से, वो सिंपल है। नोटिंग ऑफ एक्सटेंशन मेनली मेंशन किया गया है कि बिल ऑफ एंट्री एक्सटेंशन के हिसाब से उसको डिस्प्ले किया जाएगा फॉर ग्रांटिंग एंड इंडिकेटिंग द एक्सटेंशन डेट, ये एक्सटेंशन डेट सेपरेटली बोला जाएगा। दिस इज हाउ द एक्सटेंशन पीरियड हैज बीन स्पेसिफाइड। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब सवाल उठता है सिर्फ वो बीच का, ये क्या बोला है। तो चलो मैं इसके पूरा एक सिनॉप्सिस दे दूं ये चार्ट का, ये हमने अभी क्या पढ़ा पैराग्राफ उसका। पहला, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट आरबीआई और सीबीआई के पास नो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, इनके पास में कोई भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, नो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग। दूसरा, आपको रिमार्क्स लिखने हैं एक्सटेंशन के लिए डेट कॉलम में एक्सेट्रा, वो मेंशन किया है। और बीच का जो है स्टार मार्क किया हुआ, ये काम का है। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना क्या बोला गया है। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए एक साल से ज्यादा, तो आपका जो आउटस्टैंडिंग है इंपोर्ट का आउटस्टैंडिंग, मतलब जितना पेमेंट आपको करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग शुड बी लोअर ऑफ, जितना आपको पेमेंट करना बाकी है ये लोअर होना चाहिए। कैसे लोअर होना चाहिए? $1 मिलियन मतलब $10 लाख, 1 मिलियन मतलब ही $10 लाख होता है, और 10% ऑफ इंपोर्ट इन लास्ट, यहां लास्ट चाहिए टू फाइनेंशियल ईयर्स, लॉस नहीं चाहिए, लॉस को स्क्रैच कर दो, लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स का जो इंपोर्ट है आपका, उसका 10% या $1 मिलियन विचेवर इज लोअर से ज्यादा आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए, विचेवर इज लोअर से ज्यादा आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए पेमेंट, अगर आपको एक साल से ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए। ये इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा, वापस बोलता हूं, आपको एक साल से ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए, फिलहाल कुछ मत पूछना, पूरा समझाने दो फिर पूछना। एक साल से ज्यादा का आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपका आउटस्टैंडिंग $1 मिलियन और 10% पिछले दो साल में आपने समझो 6 मिलियन का इंपोर्ट किया है, तो 6 मिलियन का 10% मतलब 6 जो भी होगा, 6 मिलियन मतलब $60 लाख, तो $6 लाख का आपका जो इंपोर्ट है, 6 लाख या फिर 1 मिलियन मतलब 10 लाख, विच एवर इज लोअर, मतलब 6 लाख से ज्यादा का आपको ड्यूज नहीं होना चाहिए, ये यहां बोला गया है। सर मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा, सर प्लीज समझाओ, सर एग्जाम्पल दो, सर तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए भाई साहब नीचे एक टेबल ही बना के दिया है आपके सहूलियत के लिए, एक सुंदर सा टेबल। पहला कॉलम है, कॉलम समझ लो पहले, पहला कॉलम है एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कि अभी कितना आउटस्टैंडिंग है, दूसरा कॉलम है लास्ट टू इयर्स ऑफ इंपोर्ट कितना किया है, फिर 10% ऑफ लास्ट टू इयर्स ऑफ इंपोर्ट तीसरा कॉलम, फिर 1 मिलियन चौथा कॉलम, 1 मिलियन तो लिमिट है ही ना, ठीक है, फिर 3 और 4 में से विच एवर इज लोअर, ठीक है, जितना लोअर होगा इससे ज्यादा आपका आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, फिर आपको एक्सटेंशन 1 ईयर से लेस चाहिए या आपको एक्सटेंशन 1 ईयर से ज्यादा चाहिए, फिर हाउ मच आपको अलाउड है रखना एंड हाउ मच आपको रीपे करना पड़ेगा इमीडिएटली, ये बोला गया है, ठीक है, तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा। बड़े अच्छे से सुनना, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग 6 मिलियन था, लास्ट ईयर का इंपोर्ट 2 मिलियन है, 20 मिलियन है, तो भाई साहब 10% ऑफ कॉलम नंबर 2, 10% ऑफ 2 मतलब कॉलम नंबर 2, तो 2 मिलियन ये 10% हुआ। अब हमारी ऊपर की लिमिट क्या बोली गई है कि भैया 1 मिलियन और 10% विच एवर इज लोअर से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, तो भैया हमने 10% तो निकाल लिया जो आया 2 मिलियन, और ओरिजिनल स्टैंडर्ड लिमिट है एक्ट की 1 मिलियन, एक्ट की तो लिमिट 1 मिलियन है ना,
इनमें से विच एवर इज लोअर, लोअर ऑफ थ्री एंड फोर, लोअर ऑफ थ्री एंड फोर, ये लोअर नाइन नहीं, लोअर ऑफ थ्री एंड फोर, यहां ऑफ चाहिए। तीन और चार का लोअर ढूंढना है आपको, लोअर ऑफ थ्री एंड फोर, तो कितना आया बोले एक बार जो से, 1 मिलियन। लोअर ऑफ थ्री एंड फोर क्या है, 1 मिलियन, मतलब 10% लास्ट टू ईयर्स का, या 1 मिलियन विच एवर इज लोअर, तो 1 मिलियन। अब 1 मिलियन यहां पे आया और आपको एक्सटेंशन 1 ईयर के नीचे चाहिए, एक्सटेंशन 1 ईयर के नीचे चाहिए, तो कितना आपको अलाउड है, तो भैया एक्सटेंशन 1 ईयर के नीचे चाहिए तो आपको ये 1 मिलियन की लिमिट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक साल से ऊपर आपको 1 मिलियन की लिमिट फॉलो करना है तो आपको 1 मिलियन की लिमिट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक्सटेंशन एक साल से नीचे है तो आपको कितना अलाउड है, तो आपको पूरा डॉलर 6 मिलियन अलाउड है, पूरा अलाउड है, पूरा डॉलर 6 मिलियन आपको अलाउड है। तो आपको हाउ मच अभी रिपे करना पड़ेगा, हाउ मच टू रिपे नाउ, कितना अभी रिपे करना पड़ेगा, तो आपको अभी कुछ भी रिपे करने की जरूरत नहीं है, नथिंग यू नीड टू रिपे राइट नाउ। ठीक है, एक बार वापस समझ लो, वापस समझ लो, 6 मिलियन मेरा आउटस्टैंडिंग था, मतलब मेरे को पेमेंट करना है भैया बाहर के एक्सपोर्टर को इंपोर्ट के खिलाफ 6 मिलियन का, लास्ट टू ईयर का टोटल इंपोर्ट मेरा 20 मिलियन है, उसका 10% 2 मिलियन। अब मुझे अगर एक साल से ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए है, मुझे एक साल से ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग 10% ऑफ लास्ट टू ईयर और 1 मिलियन विच एवर इज लोअर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 2 मिलियन और 1 मिलियन विच एवर इज लोअर 1 मिलियन, तो मेरा जो आउटस्टैंडिंग है वो तो 1 मिलियन से ज्यादा है ना, मेरा जो आउटस्टैंडिंग है वो विच एवर इज लोअर है उससे ज्यादा है। बड़े प्यार से समझना, मेरा आउटस्टैंडिंग विच एवर इज लोअर से ज्यादा है तो 1 मिलियन से ज्यादा है, और मुझे एक्सटेंशन 1 ईयर से ज्यादा चाहिए, और बोला है कि 1 ईयर से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा अगर आपका आउटस्टैंडिंग विच एवर इज लोअर से ज्यादा है, तो अब मुझे कितना अलाउड है, तो मैं बोलना चाहूंगा मुझे डॉलर 1 मिलियन ही अलाउड है, बिकॉज विच एवर इज लोअर वही अलाउड है ना मुझे, ये दोनों में से विच एवर इज लोअर 10% ऑफ लास्ट टू ईयर या 1 मिलियन विच एवर इज लोअर ही मुझे अलाउड है एक साल से ज्यादा के एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना, आपका जितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगले 2 साल तक के 1 ईयर के ऊपर एक्सटेंशन दिया तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट बचाने की बात करे, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई तेरा आउटस्टैंडिंग विच एवर इज लोअर से ज्यादा है ना, तो तू भैया एक साल का एक्सटेंशन तेरे को नहीं मिल सकता, एक साल से ऊपर नहीं मिल सकता, तो अभी आपको 1 मिलियन तक का ही आउटस्टैंडिंग अलाउड है, क्योंकि आप एक्सटेंशन 1 ईयर से ज्यादा क्लेम कर रहे हो, 1 ईयर से ज्यादा एक्सटेंशन क्लेम कर रहे हो भाई साहब आप, तो आपको विच एवर इज लोअर से ज्यादा अलाउड नहीं रहेगा, विच एवर इज लोअर से ज्यादा अलाउड नहीं रहेगा आपको, तो आपको 1 मिलियन ही अलाउड है, तो आपको अभी 6 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन का एक्सटेंशन अलाउड है, 6 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन का एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर अलाउड है, तो अभी आपको कितना पे करना पड़ेगा, यह साल आपको डॉलर 5 मिलियन रीपे करना पड़ेगा। जब आप 6 मिलियन में से डॉलर 5 मिलियन रिपे करोगे तो आपका 1 मिलियन बचेगा, और अगर आपका 1 मिलियन बचेगा तो आपको 1 ईयर से ज्यादा एक्सटेंशन मिलेगा, बिकॉज 1 ईयर जो आपका अलाउड है वो विच एवर इज लोअर के हिसाब से अलाउड है। समझ में आ रहा है दया, समझ में आ रहा है दया, दरवाजा तोड़ दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे जरूर बोलना। 7 मिलियन नहीं, आपको 5 मिलियन अभी रिपे करना पड़ेगा। जब आप 6 मिलियन में से 5 मिलियन रिपे करोगे तो 1 मिलियन बचेगा, और ये 1 मिलियन के लिए आपको 1 ईयर से ज्यादा का एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि बोला है कि 1 ईयर का एक्सटेंशन तभी मिल सके, 1 ईयर से ज्यादा का एक्सटेंशन तभी मिलेगा जब 10% ऑफ लास्ट टू ईयर्स और 1 मिलियन विच एवर इज लोअर से ज्यादा आपका अमाउंट ना हो, यह बोला गया है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। एक और एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग 6 मिलियन है, लास्ट टू ईयर्स का इंपोर्ट 8 मिलियन है, 10% ऑफ लास्ट ईयर 0.8 मिलियन, अब 0.8 मिलियन और 1 मिलियन तो स्टैंडर्ड बोला है उन्होंने, ठीक है, तो विच एवर इज लोअर 0.8 मिलियन। अब मुझे एक्सटेंशन चाहिए लेस देन वन ईयर का एक्सटेंशन है, मोर देन 1 ईयर रहा तो कंडीशन कंप्लाई करना है, लेस देन 1 ईयर का एक्सटेंशन है तो हाउ मच अलाउड, तो भाई साहब तो पूरा का पूरा 6 मिलियन अलाउड है, तो मुझे कुछ पे करने की जरूरत है क्या? मुझे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, नथिंग आई नीड टू पे, अभी मुझे कुछ भी पे नहीं करना, क्योंकि मैं एक्सटेंशन एक साल से नीचे का मांग रहा हूं, आपको ज्यादा थोड़ी ना मांग रहा हूं। हाँ, अगर एक साल से ज्यादा मैं एक्सटेंशन मांग रहा हूं तो मुझे कितना अलाउड है, तो भाई साहब मुझे अलाउड है सिर्फ डॉलर 0.8 मिलियन, विच एवर इज लोअर मुझे अलाउड है, मतलब 1 ईयर से ज्यादा मैं सिर्फ 0.8 मिलियन रख सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं रख सकता, क्योंकि 0.8 मिलियन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी तो पे करना है जीवन के अंदर, यस और नो? तो ये गवर्नमेंट ने रोक लिया, बोले 0.8 मिलियन अलाउड है, तो मुझे अभी कितना आज के डेट में मुझे कितना रिपे करना पड़ेगा अगर एक साल से ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए, तो मुझे पे करना पड़ेगा डॉलर कितना रिपे करना पड़ेगा, तो 5.2 मिलियन मुझे रिपे करना पड़ेगा, अगर मुझे एक साल से ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए तो 5.2 मिलियन में रिपे करूंगा और 0.8 मिलियन के लिए 1 ईयर से ज्यादा का एक्सटेंशन लूंगा। क्लियर है? अगला वाला एग्जांपल, एक और अगला वाला एग्जांपल करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 मिलियन का मेरा आउटस्टैंडिंग है, 15 मिलियन का लास्ट टू ईयर्स का है, 10% ऑफ 15 मिलियन 1.5 मिलियन और 1 मिलियन विच एवर इज लोअर 1 मिलियन, ऊपर जैसे ही आंसर आएंगे लेस देन 1 ईयर है
लेस देन 1 ईयर का एक्सटेंशन है तो कितना आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, कितना भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, $5 मिलियन का पूरा एक्सटेंशन मुझे अलाउड है, ठीक है, लेस देन 1 ईयर के लिए। हाउ मच टू रीपे, आई नीड टू रीपे नथिंग, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 1 ईयर से ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए, मुझे कितना अलाउड है, विच एवर इज लोअर के हिसाब से 1 मिलियन अलाउड है, तो मुझे अलाउड है $1 मिलियन। तो मुझे अभी कितना रीपे करना पड़ेगा, तो मुझे $4 मिलियन इमीडिएटली रीपे करना पड़ेगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना और इसको लिख लीजिए और एक बार रीड भी कर लीजिए, समझ में आ रहा है कि मुझे जरूर बताइएगा। गो फॉर इट फर्स्ट प्लीज कंफर्म। बहुत बढ़िया शानदार, जो जो लोग आंसर दे रहे हैं मतलब उनको समझ में आ रहा है। चंदन गुप्ता पूछ रहा है, सर अभी मेरा कोर्ट के केस कोर्ट में होगा तो मैं क्या करूंगा। आपका केस कोर्ट में हो या आर्बिट्रेशन में हो, पहली बात तो ये इंपोर्ट की बात है। इंपोर्ट की बात में आप केस कौन से कोर्ट में डालोगे पहले ये बताओ। आप केस डाल सकते हो आर्बिट्रेशन में, और आर्बिट्रेशन में होता है सेटलमेंट, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट में देश बंदा जो है वो देश के बाहर है, इंडिया में उसके ऊपर केस फाइल करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और आर्बिट्रेशन में है तो इसीलिए बोला है कि आपके जो भी डिस्प्यूट वगैरह है तो आर्बिट्रेशन में, तो उसको डिस्प्यूट माना जाता है केस नहीं, तो आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट है तो बोला है 3 साल के अंदर ये सब फिनिश कीजिए, 3 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, सिंपल। फिर अगर 3 साल से ज्यादा का आपको एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन तो मिल जाएगा, इंटरेस्ट खुद के जेब से पे करना, ठीक है, इंटरेस्ट पूरा का पूरा खुद के जेब से, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं करेगा, ये चीज को याद रखना, उसके लिए कोई डॉलर नहीं मिलेगा। तेजस पूछ रहा है एक्सटेंशन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस मींस, पहला रेमिटेंस आपने जब से निकाला है वहां से एक्सटेंशन पीरियड ये शुरू होता है, पहले 6 मंथ्स के अंदर आपको कुछ सेटलमेंट करना है तो एक्सटेंशन पीरियड आपको फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस कंसीडर करना है, जब से आपको रेमिटेंस देना है, ठीक है, जिस दिन आपने पेमेंट करना चाहिए था। डेट ऑफ रेमिटेंस इज द डे ऑन विच यू शुड हैव मेड अ पेमेंट, फर्स्ट 6 मंथ्स का एंड डेट इज द डेट ऑफ रेमिटेंस। आयु सिंगल, कुछ भी सवाल मत पूछो, रिलेवेंट वाला कंसेप्ट पूछो। विजय माल्या से पैसे वापस लेने कौन सा इंपोर्ट प्रोसीजर, कुछ भी उठा के पूछ लेना जीवन के अंदर, नालक। वो क्या तुम्हारा इंपोर्ट गुड्स लेके भागा है क्या जीवन के अंदर, लोन लेके भागा है वो। चलो डन एवरीबडी, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। ये अगर चीज आपका हो गया है तो हम अगले वाले कंटेंट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीस, ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं, मतलब अभी हम जाने वाले हैं इंपोर्ट ऑफ करेंसी एंड करेंसी नोट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, अगला वाला जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, अगला वाला पूरा का पूरा जो पेज है नियरली 1.48 वाला, कृपया इसको एक बार कृपया रीड कर लीजिए फटाफट, तुरंत से भी पहले, ठीक है, फटाफट रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
रीड करना हो जाए तो डन बोल देना। तीन चार लोगों का डन हो गया है और दो चार लोग डन कर दीजिए प्लीज। पांच दस लोगों का डन हो चुका है और एक दो लोग कर दीजिए प्लीज डन। आई एम वेटिंग। कोई बात नहीं बेटा हर्षिता, मैं उसी के लिए जिंदा हूं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उसको बहुत अच्छे से समझा दूं। अच्छे खासे लोगों ने डन कर दिया है, अब इसको समझा दूं। ठीक है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। नाउ ये ट्रांजैक्शन है इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीस। पहले तो इसके बारे में बता दूं, ये ट्रांजैक्शन एज सच आपको टॉर्चर करने के लिए नहीं लाया है। ये ट्रांजैक्शन लाने के पीछे का मेन मकसद है हवाला को रोकना। हवला को नहीं, हवाला, हवले नहीं, हवाला। सो ये ट्रांजैक्शंस का, ये रेगुलेशंस का मेन मकसद है भैया हवाला को रोकना। हवाला रुक जाए बस यही इसका मेन मकसद है, बाकी कुछ नहीं। तो अब किस तरीके से इसको हमको समझना है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। अगर आप बाहर देश से इंडिया में फॉरेन करेंसी ला रहे हो, बाहर देश से इंडिया में फॉरेन करेंसी ला रहे हो, हवाला का ट्रांजैक्शन कैश में होता है भैया और आप फॉरेन करेंसी कैश में ला रहे हो, तो सबसे पहली बात, आप सेंड टू इंडिया कर रहे हो या ब्रिंग इन टू इंडिया कर रहे हो। दो वर्ड बड़े काम के हैं, इससे ऊपर से बहुत चीजें डिटरमाइन होती है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। क्या आप इंडिया को भेज रहे हो या इंडिया में ला रहे हो? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंड टू इंडिया एंड ब्रिंग टू इंडिया? कुछ भी सर। तो बड़े अच्छे से ध्यान देना, मैं बाहर देश में हूं, यहां से मैंने फॉरेन करेंसी उठाई और मैंने इंडिया में फेंक के मारी। मैं बाहर हूं, मैंने बाहर से फॉरेन करेंसी उठाई और इंडिया में फेंक के मारी। दिस इज सेंड टू इंडिया, दिस इज सेंड टू इंडिया। फॉरेन करेंसी उठाई और इंडिया में फेंक के मारी, सेंड टू इंडिया। व्हाट इज ब्रिंग इन टू इंडिया? मैंने फॉरेन करेंसी उठाई और मैं खुद इंडिया इसको लेके आया हूं। सेंड टू इंडिया, फॉरेन करेंसी उठाई, बाहर से ही फेंक के मारी, मैं बाहरी हूं। Bring into India, foreign currency उठाई, खुद लेके आया। This is the difference. अगर मैं बाहर ही और बाहर से ही foreign currency इंडिया में भेज रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल के थ्रू ही उसको भेजू, विथ प्रॉपर डिस्क्लोजर भेजू, ये बोला है, इससे हवाला टल जाएगा। हालांकि हवाले वाले ये करते नहीं है, ठीक है, वो कैश ही लाते हैं, बट ठीक है, रेगुलेशन होना जरूरी है इसलिए दिया है। तो अगर आप इंडिया में भेज रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल या प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ ही भेजिए। पर अगर आप बाहर से करेंसी लेके आ रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आप कितना ला सकते हो? तो भैया करेंसी नोट्स प्लस बैंक नोट्स लेस देन इक्वल टू $5,000 सार,
बोला क्या हो गया बीच चंपत, बीच में ही तू सार शुरू करना शुरू कर देता है, और वो भी जोर जोर से, सर ये करेंसी नोट और बैंक नोट अलग अलग होता है क्या सर, कुछ भी बोल रहे हो सर जीवन में सर। हाँ बेटा चंपत, करेंसी नोट बैंक नोट अलग अलग होता है। सर बताओ सर क्या अलग होता है? बहुत सिंपल है, करेंसी नोट सी पर से शुरू होता है तो उसको सी जी इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी नोट इशू करता है। फॉर एग्जाम्पल रूपी वन नोट इज अ करेंसी नोट विच इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज बैंक नोट? बैंक नोट बी पर से शुरू होता है तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक इसको इशू करता है, दैट इज आरबीआई। जैसे रुपीज टू एंड ऑनवर्ड्स के जितने भी नोट है वो आरबीआई इशू करता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन करेंसी नोट एंड बैंक नोट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? करेंसी नोट सी तो सीजी, अभी मेमोरी टेक्निक बोला मैंने, ऐसे सीरियसली मत लेना, ठीक है? मेमोरी टेक्निक है कि करेंसी नोट सी पर से शुरू होता है तो उसको इशू कौन करेगा? सीजी। और बैंक नोट बी पर से शुरू होता है तो उसको कौन करेगा? बैंक, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो भाई साहब आप बाहर से करेंसी नोट बैंक नोट लेके आ रहे हो इंडिया में, तो आप कितने ला सकते हो? डॉलर 5000 तक के ही आप करेंसी और बैंक नोट्स इंडिया में ला सकते हो, डॉलर 5000 तक के। अब सवाल उठता है सर तुमने करेंसी नोट बैंक नोट का मीनिंग तो इंडियन रुपीस वाला बताया और यहां पे मेंशन किया है डॉलर 5000 आप बाहर से ला सकते हो। तो भैया करेंसी नोट बैंक नोट का इंडिया में ये मीनिंग है, बाहर के देश में अगर कोई करेंसी नोट बैंक नोट का अलग अलग मीनिंग है इसलिए मेंशन किया है, अगर बाहर के देश में करेंसी नोट बैंक नोट एक ही है तो दोनों के मिलके वैसे भी 5000 डॉलर अलाउड है। अपने यहां पे करेंसी नोट बैंक नोट अलग होता है, बाहर के देश में होना हो अपने को उससे कोई लेन देन नहीं। अपना कहना बस ये है कि अगर बाहर के देश में करेंसी नोट बैंक नोट अलग अलग है, जैसे इंडिया में अलग अलग है वैसे अगर अलग अलग है तो दोनों मिलकर 5000 डॉलर आप इंडिया में ला सकते हो। और अगर करेंसी नोट बैंक नोट के साथ ट्रेवलर्स चेक है, ट्रेवलर्स चेक याद है मैंने आपको मेंशन किया था फॉरेन करेंसी के डेफिनेशन में, याद है ट्रेवलर्स चेक कि भैया एक ऐसा चेक जिसके ऊपर 5-6 करेंसीज लिखी होगी और वो किसी भी उन 5-6 देशों की करेंसीज के अंदर वो आपका कैश कर सकते हैं। ट्रेवलर्स कार्ड दीपिका पादुकोण वाली एड, कुछ याद आया? याद आया तो कमेंट करके बताइए, ठीक है? कमेंट करके बताइए जीवन के अंदर, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। अब हिमांशु गोयल एग्जाम्पल ऑफ सेंड इन इंडिया का क्या एग्जाम्पल दूं? बाहर से मेरे को अगर 10,000 डॉलर लाने हैं, अब इसमें भी एग्जाम्पल चाहिए, मतलब जीवन के अंदर अब इसमें क्या एग्जाम्पल, हर एक चीज का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हिमांशु गोयल, बाहर से सेंड टू इंडिया का सर एग्जाम्पल दो, कुछ नहीं बाहर का पर्सन है उसको इंडिया में सेंड करना, ये 10,000 डॉलर बैंक में डाले, इंडिया में सेंड कर दिए, वहां से विड्रॉ हो गया, बात खत्म। अब इसमें क्या एग्जाम्पल दू जीवन के अंदर? कुछ तो थोड़ा दिमाग चला लो जीवन के अंदर, क्या हो रहा है तुमको ये डे बाय डे? स्पून फीडिंग हो रहा है, स्पून फीडिंग, ठीक है? बड़े अच्छे से ध्यान देना। हे भगवान, एक एक काम करो बच्चों, चंदन हिमांशु फोकस करो, फोकस करो, हर एक चीज दो दो तीन तीन बार बोल रहा हूं, फोकस करो। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा से अच्छा पहले फोकस करो, ध्यान दो, वापस से एक बार बोलता हूं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। ये नहीं समझ में आ रहा वाला प्रपंच कहां से कब से शुरू हो गया तुम्हारे साथ, है? ऐसे कैसे समझ में नहीं आता? आएगा जरूर। सिंपल सी बात है, बाहर मैं पर्सन हूं, मेरा नाम है दर्शन, और मेरे को इंडिया में मेरे घर वालों को डॉलर भेजना है, तो मैं कैसे भेज सकता हूं? सेंड टू इंडिया, मैंने बैंक में यहां 10,000 डॉलर डिपॉजिट किया, मैंने उनको बोला ये बैंक डिटेल है यहां से विड्रॉ कर लो, सेंड टू इंडिया, 10,000 डॉलर गए। समझ में आया? दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सेंड टू इंडिया। अब ब्रिंग इन टू इंडिया का एग्जांपल, मेरे पास बाहर कैश पड़ा था, मैं पीआरओ आई हूं दर्शन, मेरे पास कैश पड़ा था, वो बाहर के करेंसी नोट हो सकते हैं, बैंक नोट हो सकते हैं, जैसे इंडिया में करेंसी नोट बैंक नोट डिफर होता है वैसे फॉरेन में भी करेंसी बैंक नोट डिफर हो सकता है, तो उनके भले ही करेंसी नोट रहे या बैंक नोट रहे, मैं इंडिया में करेंसी बैंक नोट जेब में डाल के लेके आ रहा हूं, तो मैं कितने जेब में डाल के लेके आ सकता हूं इंडिया के अंदर? तो 5000 डॉलर, ठीक है? करेंसी और बैंक नोट। इसके अंदर ट्रेवलर चेक और एक एग्जाम्पल दू, बाहर के भैया मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, बाहर मैंने एटीएम से विड्रॉ किया था, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? वो कैश मैंने जेब में भरा, तो कितना कैश मैं इंडिया में लेके आ सकता हूं जेब के अंदर? तो भैया 5000 डॉलर। अब उनके यहां करेंसी नोट बैंक नोट अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, या हो भी नहीं सकता है, जो भी मीनिंग है नोट का वो 5000 डॉलर के फॉर्म में यहां ला सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? दूसरा वाला, अबे हवाला वाला एग्जांपल नहीं दे रहे जीवन के अंदर, यहां मैं ये समझा रहा हूं कि हवाला नहीं समझाना है, कैसे जीवन में कुछ आगे हवाला वाला एग्जांपल नहीं दे रहे। हवाला आपको पीएमएलए में आएगा, मैंने पहले ही मेंशन किया था कि पीएमएलए के अंदर हवाला का ट्रांजैक्शन पता चलेगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो कि फेमा के अंदर हम इंडिया में कितना कैश ला सकते हैं और कैसे ला सकते हैं, हवाला चाहिए उसको। नीचे अगर आप ये करेंसी नोट बैंक नोट के साथ में ट्रैवलर्स चेक लेके आ रहे हो, पहले शांति से सब सुन लो, फोकस करके बाद में क्वेरी पूछना, आधा ध्यान तो क्वेरी पूछने पर होता है,
पहले फोकस करके बड़े अच्छे से समझ लो, फिर क्वेरी पूछना पूरा खत्म होने के बाद में, बीच में ही मत शुरू हो जाना, फिर आधा ध्यान क्वेरी पूछने पर रहेगा, कंसेप्ट रह जाएगा बाजू में, ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सो अगर आप करेंसी नोट्स और बैंक नोट इंडिया में ला रहे हो, साथ में ट्रेवलर्स चेक भी ला रहे हो कि भैया बाहर का मैं पीआरओ आए हूं, मेरा नाम है पीटर, मेरे पास में कुछ कैश था, करेंसी नोट्स, कुछ बैंक नोट्स थे मैंने लिए, और मेरे पास चार पांच चेक पड़े थे जो अलग अलग देशों की करेंसी में कैश हो सकते थे इंक्लूडिंग इंडिया, और वो डॉलर के फॉर्म में थे, ये भी मैंने जेब में भरा, करेंसी नोट, बैंक नोट, ट्रेवलर्स चेक सब जेब में भरा, ये मैं इंडिया में लेके आना चाहता हूं, तो मैं कितना लेके आ सकता हूं, तो मैक्सिमम $10,000 तक का, $10,000 तक का मैं लेके आ सकता हूं, $5,000 तक के करेंसी नोट, बैंक नोट, करेंसी नोट, बैंक नोट, ट्रेवलर्स चेक, $10,000 तक के मैं इंडिया में करेंसी ला सकता हूं, कैश ला सकता हूं, क्लियर है। और जो इंडिया को भेज रहा है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही भेजे, वरना हवाला के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्लियर है कंसेप्ट। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आप $10,000 से ज्यादा ला रहे हो, $10,000 से ज्यादा इंडिया में ला रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे यहां पे $5,000, $10,000 कैश, बैंक, ट्रेवलर्स चेक सब मिला के मेरे पास $50,000 जमा हो गए। अब मैं कैश के थ्रू इंडिया में लेके आ रहा था, तो जब मैं ऐसा कैश इंडिया में लेके आऊंगा मुझे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, CDF, दैट इज कॉल्ड करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। जब भी एयरपोर्ट से मैं ऐसा लेके आऊंगा तो पहले मेरे को करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ेगा कि भैया इतना $50,000 का करेंसी मैं इंडिया में ला रहा हूं, क्योंकि ये $10,000 के ऊपर है ट्रेवलर्स चेक मिला के, या तो फिर करेंसी बैंक नोट $5,000 के ऊपर है, ठीक है। सो सिर्फ करेंसी है तो $5,000, ट्रेवलर चेक मिला दो तो $10,000 तक के अलाउड है, और ये इससे ज्यादा है तो मैं करेंसी लेके आ रहा हूं, तो मैं डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा यार मेरे जेब में 50,000 पड़े, ये CDF PDF फॉर्म जो भी है करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म ये साइन करवा लो मुझसे, ठीक है, मैं फाइल कर दूंगा, फिर ही वो करेंसी मैं इंडिया में लेके आ सकता हूं। ये किस लिए, क्योंकि आप $50,000 लेके आ रहे हो, कहीं कोई कोई बंदा स्मगलिंग के थ्रू आपको कुछ बेचा है वो उसके लिए तो कंसिडरेशन नहीं मांग रहा, किसी बंदे ने आपको ड्रग्स बेचे उसके खिलाफ तो कंसिडरेशन नहीं मांग रहा, इन चीजों को रोकने के लिए आपको करेंसी का डिक्लेरेशन देना पड़ता है, क्लियर है कंसेप्ट। सो सिंपल सी बात है, इसके लिए अगर मैं नीचे एग्जाम्पल ले लू कि भैया डिक्लेरेशन का कैसा होगा, तो ये देखो यहां लिखे रखा है, अगर मैं करेंसी नोट $1,000 लेके आ रहा हूं, उनके यहां की करेंसी नोट, अपने यहां की नहीं, उनके यहां के $1,000 की करेंसी नोट होगी नहीं होगी उस हिसाब से, बैंक नोट $500 के लेके आ रहा हूं, ट्रेवलर्स चेक लो $2,000 के, टोटल एग्रीगेट में $3,500 लेके आ रहा हूं, क्या मुझे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करने की जरूरत है? नहीं भैया, मुझे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है। मैं $2,000 करेंसी नोट लेके आ रहा हूं, बैंक नोट $3,000, ट्रेवलर्स चेक $6,000, टोटल $11,000 लेके आ रहा हूं, क्या मुझे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत है? हाँ। मैं करेंसी नोट लेके आ रहा हूं $6,000, बैंक नोट $1,000, ट्रेवलर्स चेक $1,000, टोटल $8,000, क्या मुझे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये $10,000 के नीचे है। अगर मेरा $6,000 है, $3,000 है और $7,000 है, टोटल कितना हो गया? $16,000, क्या मुझे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत है? हाँ। अब समझो, मेरा एक दो एग्जांपल और बनाता हूं, मेरा यहां पे $2,000 मेरे पास करेंसी नोट है और मेरे पास $1,000 के बैंक नोट है, पर मेरे पास कोई ट्रेवलर्स चेक वगैरह नहीं है, तो टोटल ये कितना हो रहा है? $3,000। अब ये करेंसी नोट और बैंक नोट ही है, तो क्या मुझे CDF की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये 5,000 से नीचे है, क्योंकि ये 5,000 से नीचे है, 5,000 से नीचे, 5,000 तक के करेंसी नोट और बैंक नोट अलाउड है ना, ट्रेवलर्स चेक तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। और अगर मेरा ऐसा सिचुएशन है कि ये मेरे को $2,000 है करेंसी नोट्स और मेरे पास बैंक नोट $3,000 के है, क्लियर है कांसेप्ट, ट्रेवलर्स चेक बिल्कुल नहीं है, या तो फिर ये $4,000 के ले लो, बैंक नोट मेरे पास $4,000 के है और मेरे पास करेंसी ये बिल्कुल भी नहीं है ट्रेवलर्स चेक, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, बोले एक बार, $6,000, क्या मुझे CDF फाइल करना पड़ेगा? यस, क्योंकि करेंसी नोट बैंक नोट इज मोर देन $5,000, क्लियर है। तो ये चार्ट को भी कृपया आप लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट, समझ में आया क्या? मुझे जरूर बोलना, ठीक है। अच्छा, सॉरी, इसमें एक मेरा मिस्टेक हो गया, आई एम वेरी सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थर्ड केस में मेरा करेंसी नोट $6,000 का है, बैंक नोट $1,000 का है, वेरी सही, एकदम सही। इस केस में मुझे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, क्योंकि करेंसी नोट एंड बैंक नोट आर एक्सीडिंग, करेंसी नोट प्लस बैंक नोट आर एक्सीडिंग मोर देन $5,000, तो इस केस में मुझे लगेगा भैया डिक्लेरेशन जरूर लगेगा, ठीक है। फर्स्ट केस में मुझे सिर्फ नहीं लग रहा था, बाकी सब केस में मुझे डिक्लेरेशन लग रहा है और इस केस में नहीं लग रहा है, गो फॉर इट फास्ट।
समझ में आया जरूर बोलना, अगर आ गया तो दाद दे देना। इक्वल टू 5000 है, इक्वल टू 5000 है, डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा है मैंने चार्ट के अंदर, एक बार चेक कीजिए कृपया। ये हिमांशु, वहां चार्ट में लिखा है इफ इज इक्वल टू 5000 तो डिक्लेरेशन सीडीएफ की जरूरत नहीं है। दैट इज बोथ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, बोथ द कंडीशन नहीं, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको डिक्लेयर होल्ड करना है। एक ब्रॉड दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपने क्लियर की है, एक भी कंडीशन अगर आपने कंप्लाई की है तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना है, बोथ की जरूरत नहीं है बच्चों, एक भी किया है तो भी आपको डिक्लेरेशन देना चाहिए। क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए प्लीज। लिखना हो जाए तो डन भी बोल दीजिएगा। डन एवरीबॉडी, डायमंड क्लियर है। हो गया, ललित बोल रहा है तो हम ट्रैवलर्स चेक 5000 ही ला सकते हैं मैक्सिमम विदाउट डिक्लेरेशन? नहीं, आप ज्यादा का भी ट्रैवलर्स चेक ला सकते हो, आपका ट्रैवलर्स चेक पूरा 8000 का है, करेंसी भी नहीं है, बैंक नोट भी नहीं है तो लाओ पूरा 9-10 हजार का ट्रैवलर्स चेक ही लाओ, कोई दिक्कत नहीं, करेंसी नोट बैंक नोट नहीं है तो क्या टेंशन है, लाओ पूरा 10 हजार का ट्रैवलर्स चेक, कौन डिक्लेरेशन मांगेगा? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रैवलर्स चेक सिर्फ 5000 का ही ला सकते हो, पूरा 10 हजार का लाओ, सिर्फ करेंसी नोट बैंक नोट नहीं है बोलना, सिर्फ ट्रैवलर्स चेक लाया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ठीक है, श्योर, तो यह मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया। अब सवाल है कि भैया बाहर से भैया फॉरेन करेंसी तो आ गई, अब फॉर इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी, हमारी ही करेंसी हमारे ही देश में इंपोर्ट हो रही है, पहला सवाल तो यह है कि साला बाहर के देश वालों के पास हमारी करेंसी आई कहां से जीवन में, है हमारी ही करेंसी हमारे ही देश में कैसे इंपोर्ट हो रही है? तो भैया ये कुछ तो फिशी है, इसलिए इसके ऊपर भी रेगुलेशन लगाना पड़ रहा है कि भैया बाहर वालों के पास हमारी करेंसी आई कहां से जो इंडिया में इंपोर्ट करे। सो PRI इज गॉन आउटसाइड इंडिया ऑन टेम्पररी विजिट, कोई PRI है वो आउटसाइड इंडिया गया था टेम्पररी विजिट पे, साथ में रुपीज भी लेके गया, बोले वहां जाके एक्सचेंज एक्सचेंज करने पड़े, तो कई लोग यहां से फॉरेन टूर के लिए जाते हैं तो रुपीज कैरी करते हैं, 1-1.5 लाख रुपए कैरी करते हैं और फिर वहां पे जाके उनके साथ एक्सचेंज करते हैं। अगर आप नॉर्मली उन प्लेसेस पे जाओ ना जहां पे इंडियन टूरिस्ट ज्यादा होते हैं, जैसे मालदीव हो गया, बाली हो गया, थाईलैंड हो गया, वहां पे आपको रुपीज टू डॉलर के भी एक्सचेंज वाले लोग दिखेंगे, रुपीज टू डॉलर के भी, तो कई सारे लोग इंडिया से रुपीज बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, और फिर जब वो वापस आते हैं तो वो इंडिया में कितने ला सकते हैं, $25,000 ही इंडिया में ला सकते हैं, और $25,000 ही इंडिया में ला सकते हैं,
और अगर आप नेपाल भूटान से वापस आ रहे हो तो ये $25,000 का डिनोमिनेशन 100 रुपए के नीचे के नोट्स में होना चाहिए, 100 रुपीज के नीचे। अगर आप नेपाल भूटान से आते वक्त 500 या 2000 की नोट लेके आ गए ना जीवन में, तो हवाला के अंदर कंसिडर करता है, क्योंकि हवाला जो होता है मैक्सिमम जो स्मगलिंग होता है कैश स्मगलिंग। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से एक नेता ने बहुत पैसे खाए, उसके पास 500-2000 की नोटे है, और वो 500-2000 की नोटे उसको डॉलर में कन्वर्ट करके स्विस बैंक में पहुंचानी है। इसका सबसे इजी रूट है नेपाल, आपको शायद नहीं पता होगा, सबसे इजी रूट है नेपाल। इंडिया के जो पॉलिटिशियंस वगैरह रहते पैसे खाने वाले, ये 500-2000 रुपए कैश के फॉर्म में पहुंचा देते हैं आपके नेपाल के किसी पर्सन को, नेपाल का पर्सन उसको डॉलर में कन्वर्ट करता है और फिर वो डॉलर उधर स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दिस इज हवाला का बेस्ट रूट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर नेपाल और भूटान के साथ हम नॉर्मली 100 रुपीज से ज्यादा के डिनोमिनेशन के नोट में डील नहीं करते। नेपाल भूटान के साथ के ट्रांजेक्शन भी इसी वजह से प्रोहिबिट करके रखे हैं, क्योंकि भैया ऐसा हवाला ना हो, नहीं तो यहां से 500-2000 के नोट जा रहे हैं, वहां से 500-2000 के नोट आ रहे हैं, बात तो गलत हो जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना। इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगाया है, और कहीं यहां से अगर 500-2000 के नोट गए और वो उधर कन्वर्ट ना हो पाए तो वापस लाने का भी कोई तरीका नहीं है। ठीक है, नेपाल भूटान से आप 500-2000 के नोट लीगली वापस नहीं ला सकते, तो अगर लाना भी है तो कैश में ही लाना पड़ेगा, और वो भी आपको छुपा के लाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है पीआरओआई एनआरओआई एनआरआई के ऊपर? पीआरआई के ऊपर तो चलो ये रिस्ट्रिक्शन है, ये तो पीआरआई पे माना, क्या पीआरओआई एनआरआई के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, नो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द सेम, सो दे कैन ऑल्सो ब्रिंग ₹25,000 मैक्सिमम। उनके लिए कोई भी डिक्लेरेशन वगैरह नहीं दिया है, तो नॉर्मली हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो पीआरआई के लिए रेगुलेशन है वो उनके लिए है, क्योंकि हमारे देश के पर्सन के ऊपर ही रेगुलेशन 25,000 रुपए का है, तो ऑब्वियसली पीआरओआई और एनआरआई के ऊपर तो 25,000 का रहेगा ही ना। हमारे देश का पर्सन जिसके पास खुद के पास 25,000 रुपीज है उसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपए की है, तो पीआरओआई एनआरआई के ऊपर तो रहेगी ही रहेगी ना। हाँ, ना, उनके पास तो वैसे भी रुपीज नहीं होने चाहिए, पर अगर है तो मैक्सिमम 25,000 ला लो। तो ये इंडिया के लिए है, क्लियर। इसके ऊपर तो हार्डली कोई सवाल पूछा जाएगा, मेनली आपको सवाल इस चीज के ऊपर ही पूछा जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ये चीज को याद रखना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। सर अगर कैश अंदर ला रहा है तो गवर्नमेंट को मालूम कैसे होगा? दिशा बेटा, अब ऐसे आप जीवन में सवाल पूछोगे ना तो फिर तो गवर्नमेंट को कैसे पता नहीं चलता। ला रहा है गवर्नमेंट को मालूम कैसे होगा? मैं पतला पकड़ा गया, गुनाहगार नहीं पकड़ा गया, इज्जतदार। ये तो हर लॉ का रूल है। ट्रैफिक पुलिस के सामने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो भैया अटक गया, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई नहीं है, रात को सिग्नल तोड़ा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सुना है, सुनिए, कहा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कोई आपको बोल के आ रहा है कि भैया जंगल में मोर नाचा, तुमने तो नहीं देखा ना। ठीक है, वैसा ही है कि भैया उसने कैश लाया, बोल के थोड़ी बहुत फायदा, पकड़ा गया गुनाहगार नहीं पकड़ा गया, इज्जतदार, बात खत्म। ठीक है, ये तो समझो। नेपाल भूटान में $25,000 की लिमिट नहीं है, $25,000 की लिमिट दूसरे कंट्री से है। फ्रॉम नेपाल भूटान वो कुछ भी लाए पर 100 रुपए के डिनोमिनेशन के ऊपर ना लाए। ठीक है, बाकी किसी भी कंट्रीज को आप विजिट करो, वहां से आप 25,000 रुपए लेके आ सकते हो, डॉलर नहीं 25,000 रुपए लेके आ सकते हो। नेपाल भूटान से कितने भी लेके आओ पर ₹100 के ऊपर डिनोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। पर नॉर्मली याद रखना, नेपाल भूटान के लिए बोला नहीं है पर ऊपर लिखा है आउटसाइड इंडिया, तो नॉर्मली अज्यूम किया जाएगा कि 25,000 की लिमिट नेपाल भूटान के लिए भी है। ऐसा कैसे होगा कि तुम बाकी यूएस यूके वगैरह सबसे आ रहे हो और 25,000 रुपए लेके आ रहे हो? नहीं, सिर्फ नेपाल एंड भूटान जितने लाने हो लाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। आउटसाइड इंडिया ऑलरेडी बोला, आउटसाइड इंडिया में नेपाल भूटान इंक्लूडेड है। क्लियर है, ये चीज को याद रखना। ठीक, नीचे, मैं नेपाल जाके आया हूं। हाँ, मतलब कल्पेश, टेम्पररी विजिट के लिए 25,000 रुपए ही लेके जा सकते हो और स्पेंड नहीं आया तो उतना ही वापस लेके आ सकते हो, बिल्कुल। और दूसरा मैं आपको तरीका बताऊंगा दूसरा। चलो आप रुपीज नहीं लेके आ सकते, डॉलर लेके आ सकते हो, तकलीफ किस बात की है? अगर आपके रुपीज आपके पास हो गए 1,00,000 रुपए, एक काम करो वहीं एक्सचेंज कर लो डॉलर में, डॉलर इंडिया में लेके आओ, उसको $5,000 में कन्वर्ट कर लो। ये लिमिट तो कभी भी चलेगी ना, $5,000 मतलब 50,000 × 7 3,50,000 रुपए आप $5,000 में कन्वर्ट करके ला सकते हो जीवन में। 3,50 नहीं, 35,000 ना, 5,000 के ऊपर 0, 50,000 × 7 3,50,000 रुपए आप ला सकते हो भैया $5,000 के अंदर। तो 25,000 के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारे पास 5,00,000 रुपए है, जो भी है तुम्हारे पास 2,00,000 रुपए है, 2,00,000 लाने हैं तो भाई डॉलर में कन्वर्ट करके लाना। क्या कोई इधर फंस रहा है जीवन में? इसलिए बोल रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये काम का नहीं है, ये काम का है। ठीक है, लिख लो इसको, गो फॉर इट, फास्ट स्मार्ट बनो, दिमाग लगाओ।
तेजस पूछ रहा है बाहर रूपी लेके जाने के लिए हमें कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत है क्या? कुछ कुछ केसेस में लगता है, और नॉर्मली आप वैसे भी 20,000 के ऊपर कैश कैरी नहीं कर सकते एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 269 SS, ठीक है? तो एनी वेज अगर आप 20-25,000 के ऊपर की कैश कैरी कर रहे हो और पकड़ी गई तो गुनाहगार, वो स्मगलिंग ही माना जाता है। क्लियर है कंसेप्ट, याद रखना। चलो इन टेक्स्ट को पढ़ लो, नीचे आपके इसके टेक्स्ट दिया है, पूरा का पूरा रीड कर लो, फिर यहां पे करेंसी वाला एरिया भी आपका खत्म हो जाएगा। गो फॉर इट फास्ट। पढ़ना हो जाए डन कर देना, आगे बढ़ जाएंगे। ₹1 का नोट सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करता है? सीरियसली नहीं पता। मैंने इस चीज़ का बहुत सारा रीज़न ढूंढने के लिए कोशिश की, गूगल के ऊपर आपको मिल भी सकते हैं, पर आपको सब अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। तो ₹1 का नोट सीजी क्यों कंट्रोल करता है, डोंट नो। और सब अलग अलग आंसर पढ़ के आप भी कन्फ्यूज ही हो जाओगे, फिर भी एक बार ट्राई करूंगा। आज अगर रीजन मेरे को मिल गया आंसर तो कल दे दूंगा, डोंट वरी। आप भी एक बार ट्राई करो। सिक्स और बी पॉइंट का रिलेवेंस, वो सिर्फ रिपीट हुआ है, एडसेस उसका इतना बड़ा कोई रिलेवेंस नहीं है। सेम ही चीज को उन्होंने 7th, 8th पॉइंट के अंदर रिपीट किया है, बट देते वक्त उन्होंने एक जगह पे दे दिया, ठीक है? इसलिए कोई टेंशन नहीं है दिशा बेटा, एक ही चीज है वो नियरली। चल अब मैं जा रहा हूं अगले कंटेंट के ऊपर, पढ़ना हो जाए तो अगले कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर इशू ऑफ गारंटी बाय ऑथोराइज्ड डीलर। ऑथोराइज डीलर कितनी गारंटी यहां पे इशू कर सकता है, इस चीज के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, रेडी लेट्स गो। अब सबसे पहले गारंटी मतलब कितना, गारंटी मतलब क्या पहले समझो। मेरा नाम है दर्शन, मैं इंडियन इंपोर्टर है, बाहर के देश से मैं बड़े पैमाने पर गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, पर बाहर के इंपोर्टर पर मेरे पे ऊपर भरोसा नहीं है, तो बाहर का इंपोर्टर जो है वो मेरे को बोल रहा है कि भाई कोई गारंटर ला पेमेंट करने के लिए, कोई तो गारंटर ला। मैं बोला कोई गारंटर नहीं है मेरे पास, मेरा दोस्त साथ छोड़ के चले गए, गर्लफ्रेंड तो कब की धोखा देके चली गई, बीवी मेरी बात सुनती नहीं, मेरे को मारती है, मैं कहां से गारंटर लाऊ भाई, मेरे पास कोई गारंटर नहीं है। बाहर का इंपोर्टर बोलता है वो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को गारंटर चाहिए पेमेंट के लिए, अगर गारंटर मिलेगा तो गुड्स भेजेगा, वरना भूल जा कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। मैं बोला ये तो गजब हो गया, मेरे आजू बाजू के लोगों का गारंटी नहीं? बोले आजू बाजू वाले फालतू लोगों का गारंटी फैरेंटी नहीं चलेगा, गारंटी हमको उसका ही चाहिए जिसका कोई जिंदगी में रिकग्निशन हो, जिसको पब्लिक पहचानती हो, तुम्हारी गवर्नमेंट जानती हो। मैं बोला फिर मेरे लिए गारंटी देगा कौन? तो इंपोर्टर बोलता है वही देगा जो तेरे लिए पेमेंट देगा, उसी की गारंटी चाहिए कि वो मुझे पेमेंट देगा। तो मैं बोला कौन? ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक की बात कर रहे हो आप?
बोले हाँ, ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक अगर मेरे को गारंटी देगा कि आफ्टर आई सेंड गुड्स दे विल मेक मी अ पेमेंट, तो मेरे को, मैं तेरे को गुड्स भेजेगा। मतलब यहां पे फॉरेन का एक्सपोर्टर मुझसे बोल रहा है कि तू मेरे को पेमेंट करेगा, इसके लिए ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक का गारंटी का लेटर लेके आ। तो भैया ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक जो एक्चुअली मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है इंपोर्टर को, उसका गारंटी यहां इंपोर्टर को चाहिए कि सच्ची में वो पेमेंट करने के लिए रेडी है, नहीं तो गुड्स भेज देगा। मैं बाद में बोला मैं कुछ नहीं देने वाला, तो मेरे ऊपर तो केस भी नहीं कर सकता वो उस देश में है, उसके कोर्ट में केस करके मेरे को क्या फायदा, और इस देश में आके वो केस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? उसके लिए तो यहां आएगा नहीं, और आया तो केस किस नाम से करेगा? पीआर हुआ है, बाहर का पर्सन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो वो बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को गुड्स भेजेगा, पहले ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक का गारंटी ला। अब ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक कितना गारंटी दे सकता है? इंपोर्ट ऑन डिफर्ड पेमेंट बेसिस है तो एडी कैट वन बैंक कैन गिव एज पर द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ऑथोराइज डीलर जो है हमारा, वो एज पर आरबीआई आपको गारंटी दे सकता है, जितना आरबीआई ने अप्रूव किया उतना। डिफर्ड पेमेंट पे, डिफर्ड मतलब हर साल में एक एक इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, तो आरबीआई जितना अलाउ करेगा उतना गारंटी देगा। एंड इफ द इंपोर्ट इज एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्चुअली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ड्राफ्टेड है कि भैया इतने गुड्स के केस में इतना गारंटी, इतने गुड्स के केस में इतना गारंटी, ये ड्राफ्टेड है, तो अगर उसके हिसाब से इंपोर्ट हो रहा है तो गारंटी देना है एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड कंडीशन ऑफ आरबीआई। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से आपने देना है गारंटी, और आरबीआई ने अगर कुछ कंडीशन लगाई तो वो। ये हो गया गुड्स के लिए, डिफर्ड पेमेंट बेसिस पे गुड्स के लिए, दोनों केसेस में गुड्स के लिए। पर सर्विसेज एज पर द कंडीशंस ऑफ आरबीआई, आप आरबीआई के कंडीशंस के हिसाब से सर्विसेज अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो आप बड़े अच्छे से ध्यान देना, बड़े अच्छे से ध्यान देना। इंपोर्टर इज अदर देन पीएसयू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई इंपोर्टेंट है जो अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और सर्विसेस ले रहा है बाहर से, तो ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक $5 लाख तक की गारंटी दे सकती है। सिर्फ $5 लाख तक की गारंटी दे सकती है ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक, अगर मैं बाहर से सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, मैंने एचडीएफसी बैंक ने बाहर के देश से कंसल्टेंसी लिया, भाई एक्सेंचर से कंसल्टेंसी लिया, उसके लिए मुझे सर्विसेस के लिए पेमेंट करना है एक्सेंचर को सर्विसेज के लिए पेमेंट करना है क्योंकि सर्विसेज मैंने इंपोर्ट कर ली। अब इसका आरबीआई में $1 मिलियन का अप्रूवल तो लिखा हुआ है, पर साथ में ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक इस सर्विसेज के खिलाफ, वो $1 मिलियन का तो अप्रूवल है प्राइवेट कंसल्टेंसी का, तो उधर है ही है, वो तो लेना ही है $1 मिलियन के ऊपर का अप्रूवल, पर ये मेको ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक से मैक्सिमम $5 लाख की गारंटी मिल सकती है। मतलब ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक क्या बोल रहा है, मैं ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक मैं क्या बोलूंगा, भैया ये जो एचडीएफसी है ना एक्सेंचर, भाई इसको $5 लाख की तू सर्विसेज दे सकता है, $5 लाख मैं तेरे को पे करेगी, गारंटी मेरी। ये गारंटी यहां पे एचडीएफसी बैंक के बिहाफ पे दी जा रही है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से सर्विसेज के लिए, या कोई और भी सर्विसेज हो सकती है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने एक्सेंचर से सर्विसेज ली, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने गारंटी दिया आईसीआईसीआई बैंक से, तो आईसीआईसीआई बैंक बोल सकता है भैया एक्सेंचर टीसीएस को $5 लाख की तू सर्विसेज दे, $5 लाख तक की गारंटी मेरी, मैं पेमेंट करेगी। क्लियर है? क्या $5 लाख के ऊपर अलाउड है? बिल्कुल भी नहीं, इट्स नॉट अलाउड इन एनी केस। $5 लाख के ऊपर कोई गारंटी ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक नहीं देगा प्राइवेट सेक्टर सर्विसेस के लिए, ठीक है। वही अगर सर्विसेस लेने वाले पीएसयू है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सीजीएसजी के यूनिट है, तो मैक्सिमम गारंटी एक लाख। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेंचर से बाहर से कंसल्टेंसी लिया कि महाराष्ट्र टूरिज्म का जो वेबसाइट है उसको रिवैम्प करो, महाराष्ट्र टूरिज्म की वेबसाइट को रिवैम्प करो, हमको वेबसाइट मस्त वाला बना के दो, सॉफ्टवेयर वाला, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब सब उसी के ऊपर हो जाए, ठीक है। ऐसा महाराष्ट्र ने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको? एक्सिस बैंक को, या बीएसएनएल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया एक्सेंचर को? बीएसएनएल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू, बीएसएनएल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया एक्सेंचर को कि भैया हमारे बीएसएनएल के वेबसाइट वगैरह सब रिवैम करो, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सब ठीक करो। समझ में आ रहा है? या इंडियन रेलवेज ने कॉन्ट्रैक्ट दिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी गोल्डन गेट को कि भैया हमारे यहां पर रेलवे की पटरियां बन रही है, उसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए हमको, सर्विसेस चाहिए कंसल्टेंसी वाली। तो अब इंडियन रेलवे, बीएसएनएल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इनके बिहाफ पे आईसीआईसीआई बैंक बैठा है ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक। ये बोल रहा है एक्सेंचर को कि भाई ये सुन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सुन, इनको $1 लाख की सर्विसेज दे,
1 लाख डॉलर की मैं गारंटी देता हूं, मैं तेरे को पैसे देगा, ठीक है, मैं 1 लाख डॉलर तेरे को पे करेगा, ये ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक बोल रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सर क्या 1 लाख डॉलर के ऊपर का गारंटी दे सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए कोई लिमिट नहीं, 1 लाख डॉलर के ऊपर कितने का भी गारंटी हो सकता है। सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल ले लो, सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल ले लो, बात बन जाएगी। क्लियर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला तो भैया बीएसएनएल, इंडियन रेलवे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1 लाख डॉलर के ऊपर, अगर अब मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं, मेरे को इन्होंने बोला, इंडियन रेलवे ने बोला, अबे हमारी कंसल्टेंसी 10 लाख की है, हमारी कंसल्टेंसी 10 लाख डॉलर की कंसल्टेंसी है, तो आईसीआईसीआई बैंक इधर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पूछेगा, ए भाई ए सुन, ये 10 लाख की कंसल्टेंसी ले रहा है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तेरा डिपार्टमेंट है, दू क्या गारंटी, दू क्या पैसे देगा ना, देख भाई पैसे चाहिए मेरे को टाइम पे, 10 लाख डॉलर मतलब 10 लाख डॉलर जितने रुपीज चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोले तथास्तु, डोंट वरी, मैं देगा ना, मैं पैसे देगा, तो आईसीआईसीआई बैंक ओके नो प्रॉब्लम। फिर आईसीआईसीआई बैंक इधर बोलेगा, ए भाई सुन, 10 लाख डॉलर मैं देगा, मैं ये इंडियन रेलवे को तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कंसल्टेंसी दे। ये है भैया गारंटी का केस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो वापस से एक बार रिपीट करता हूं जिनको नहीं समझा, खास उनके लिए, दो चार लोग रहते हैं ना अपने, उनके लिए सबसे पहला कि भैया इंपोर्टर के बेसिस पे एडी कैट वन बैंक गारंटी देगा, ठीक है, अगर इंपोर्ट नॉर्मल बेसिस पे है तो एज पर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के हिसाब से इंपोर्ट है गुड्स का, गुड्स की बात चल रही है तो एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड कंडीशन ऑफ आरबीआई। पर अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो सर्विसेज तो वैल्यूएशन करना मुश्किल है ना, तो ऐसे सिचुएशन में अगर अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई है तो मैक्सिमम 5 लाख का बैंक गारंटी एक एडी कैट वन बैंक दे सकता है, ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, 5 लाख के ऊपर तुम कुछ भी कर लो गारंटी नहीं मिलेगा, ठीक है, तुम 50 लाख का कर लो फिर भी गारंटी 5 लाख का ही मिलेगा। और अगर इंपोर्टर पीएसयू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सीजीएसजी वाला तो 1 लाख डॉलर तक की गारंटी वैसे ही मिल जाएगी, उसके ऊपर चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेके आ जाइए। क्लियर है? यह है इंपोर्ट प्रोसीजर्स के अंदर वाली चीजें। समझ में आया तो अपने दांत मुझे दे देना जीवन में, और बोलना समझ में आया चाहिए तो नीचे वाला पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा 2 पैराग्राफ का पढ़ लो, गो फॉर इट, फास्ट तूफान। थोड़ी गारंटी वाले पैराग्राफ्स की लैंग्वेज क्लिष्ट है, हाँ डिफिकल्ट वाला लैंग्वेज है थोड़ा, उसमें अलग अलग चीजें बोली है, लेटर ऑफ कंफर्ट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ कंफर्ट मतलब कि भैया ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक सामने वाले को एक लेटर देता है कि नहीं भाई मैं टेंशन नहीं मत ले, मैं हूं जिंदा, मैं तेरे को पैसा पे करेगा, दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट इस सेंस में लिया जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, पढ़ लो एक बार बता दो। चंदन का सवाल है, टीसीएस सर्विस लेता है सर 10 लाख का तो गारंटी कौन देगा? ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक 5 लाख तक के देगा, उसके बाद में कोई नहीं देगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। ये बोला है ऑलरेडी, वही आंसर दे दिया है मैंने। सर गारंटी पर इंपोर्ट है या पर ट्रांजैक्शन है? इट डिपेंड्स ऑन पर कॉन्ट्रैक्ट।
इट्स नॉट पर इंपोर्ट पर ट्रांजेक्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने ट्रांजेक्शन और कितने भी इंपोर्ट हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लेन किए गए हैं। आयुष सिंगल, नीरव मोदी केस एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे समय नहीं है, ठीक है। वो बैंक का फ्रॉड है नीरव मोदी वाला, जब उसका कोई रेफरेंस आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा। खुद खुद किधर भी कुछ भी शुरू हो जाते हो कि जीवन में, तुम सोचते भी हो सवाल पूछने के पहले कि क्या पूछना है जीवन के अंदर, है खुद भी इधर चल रहा है भाई गारंटी फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, बीच में सर नीरव मोदी वाला केस बताओगे क्या? सटक गए हो क्या जीवन के अंदर? क्यों ऐसा कर रहे हो? तीन चार दिन से खुद भी मतलब मन में जो सवाल आया पूछ लिया। सीए फाइनल पे हो, एटलीस्ट सीए फाइनल जैसा तो बिहेव करो। कैसे मतलब क्या, मतलब क्या समझाऊं अभी मैं तुमको? अदर देन एडी सर्विसेज कैसे लेंगे? लेंगे बिना गारंटी की सर्विसेज लेंगे, सिंपल एज दैट। बिना गारंटी की सर्विसेज लेनी पड़ेगी, जो देने के लिए रेडी है उससे ले लो। अगर ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक 5 लाख का ही दे रहा है, तुम्हारी सर्विस 10 लाख की है, तो भैया 5 लाख की गारंटी दे दो और जो बिना गारंटी के सर्विस दे सकता है उससे ले लो, खत्म बात। और बहुत सारे लोग देते हैं बिना गारंटी की सर्विस, ऐसा नहीं है, उनको भी तो बिजनेस करना है ना फॉरेन में, है? श्योर, डन। समझ में आया क्या? बताइए प्लीज। शरोडन, लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गारंटी, नॉट अ इशू। पॉइंट नंबर 4 पूछा जा रहा है। एन ऑथराइज डीलर में सब्जेक्ट टू डायरेक्शन, सॉरी मैं इसको रीड करता हूं पॉइंट नंबर 4 को। ऑथराइज डीलर में सब्जेक्ट टू डायरेक्शन इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इशू कॉर्पोरेट गारंटी इन फेवर ऑफ ओवरसीज लेसोर फॉर फाइनेंसिंग इंपोर्ट थ्रू ऑपरेटिंग लीज अफेक्टेड बाय कन्फर्मिटी विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सिंपल, दो टाइप्स की लीज होती है, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज के एंड में आपको ओनरशिप मिलता है, ऑपरेटिंग लीज के एंड में आपको ओनरशिप नहीं मिलता है। या आपने AS 19 लीजेस के अंदर आई गेस पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पहले आपको लीजेस पढ़ना पड़ेगा, फिर ही ये समझ में आएगा, ठीक है। एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज के एंड में लीज इज वॉट, आप पेमेंट करते जाते हो पर ईयर। ऑपरेटिंग लीज में आप पेमेंट करते जाते हो बट स्टिल ओनरशिप लेसोर के साथ ही रहता है एट द एंड ऑफ लीज। फाइनेंशियल लीज में मैं पेमेंट करते जाऊंगा एंड एट द एंड ऑफ लीज ओनरशिप मेरे पास आएगा। यहां बात की जा रही है कि मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किए ऑपरेटिंग लीज के बेसिस पे जो मैं यूज कर रहा हूं और उसके लिए पेमेंट करना है, तो इस लीज के भरोसे पे मैं पेमेंट करूंगा अगले 10 साल तक। मैं अगले 10 साल तक ऑपरेटिंग लीज के लिए पेमेंट करूंगा। इसके लिए एडी कैटेगरी वन बैंक किसी को भी अलाउ कर सकती है, किसी को भी अलाउ कर सकती है कॉर्पोरेट गारंटी देने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ लेसोर, ठीक है। ओवरसीज लेसोर के लिए कॉर्पोरेट गारंटी के लिए देने के लिए अलाउ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं दर्शन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मैंने बाहर से ऑपरेटिंग लीज के ऊपर भैया एक मशीन ली 10 साल के लिए, अब मुझे चाहिए था कॉर्पोरेट गारंटी। मैंने बोला एडी कैटेगरी वन बैंक को जाओ कॉर्पोरेट गारंटी दो। एडी कैटेगरी वन बैंक बोलता है यार मैं तो सिर्फ 5 लाख के तक के दे सकता हूं और तुम्हारे लीज पेमेंट 10 साल तक चलने वाले हैं। मैं तो 5 लाख तक के दे सकता हूं, तुम्हारे लीज पेमेंट 1-1 लाख के 10 साल चलने वाले, तो मैं नहीं गारंटी दे सकती, एडी कैटेगरी वन बैंक बोल रही है। पर मेरे ख्याल में एक PRI है, एक रेसिडेंट है, आप उससे ले लो, रतन टाटा जी उससे ले लो। तो फिर मैं एडी कैटेगरी वन बैंक से चला गया रतन टाटा जी के पास और मैंने बोला सर मैं बाहर से 10 साल के लिए मशीन ले रहा हूं, कृपया आप गारंटी दोगे क्या? तो किसी भी PRI को एडी कैटेगरी वन बैंक खुद के जगह पे खड़ा कर सकती है ये बोल के कि भैया इस बंदे का बाहर का लेसिंग का ट्रांजैक्शन है, इसको लीज रेंटल्स पे करने ओवर पीरियड ऑफ टाइम, प्लीज गिव द गारंटी, ठीक है। तो कोई भी PRI को एडी कैटेगरी वन बैंक सेलेक्ट, आप भी रिकमेंड कर सकते हो, मुझे लीज लेनी है मैं भी रिकमेंड कर सकता हूं एडी कैटेगरी वन बैंक को, तुम नहीं दे रहे तो इसको तो भी देने दो, तो बोल सकते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं करके। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये चीज को याद रखना। चलो डन। मोहम्मद जिसन बेटा
ये रिपीट करके फायदा नहीं होगा, आपको बैकअप ही देखना पड़ेगा और कृपया बैकअप से ही इसको कंप्लीट करें। इसीलिए हम बैकअप देते हैं क्योंकि आपका कुछ मिस हो जाए तो आप बाद में देख पाओ, ठीक है। ऐसी हर एक चीज रिपीट करते जाएंगे तो क्लास के लेक्चर कहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका कुछ भी किसी का भी कुछ भी मिस हो रहा हो तो उसको फास्ट में रिपीट करना मुश्किल है, हमारे हर एक कंसेप्ट को स्पेसिफिक समय देके चल रहे हैं, तो कृपया इसको समझिए। कुछ भी मिस हो रहा हो बैकअप लेक्चर के अंदर कृपया इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के लिए बैकअप लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। चलो डन एवरीबॉडी, श्योर। सो यहां पर बैंक गारंटी वाला सिचुएशन भी होता है खत्म। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है कंसेप्ट। सो यहां पे आपके पूरे इंपोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं खत्म। तो अब मैं जरा इंपोर्ट प्रोसीजर को सिनॉप्सिस में, पूरा सिनॉप्सिस में आपको समझा दूं तो एक साथ पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर आपके हाथ में आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, जितने मैंने नीचे चार्ट्स ड्रॉ किए हैं वो सबके सब मैंने ऊपर ड्रॉ करके रखे हैं, सिर्फ ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। कोई इंपोर्टर है, उसने बाहर से गुड सर्विस इंपोर्ट किए तो उसने बिल ऑफ एंट्री अपलोड किया आइसगेट के ऊपर। एडी कैटेगरी वन बैंक ने एक तो एक्सपोर्टर को पेमेंट दे दिया या कुछ पेमेंट इंपोर्टर को दे दिया। अब जो उसने इंपोर्टर को पेमेंट दे दिया, पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर रिवाइज करा हुआ मास्टर चार्ट, बड़े अच्छे से ध्यान देना। जो इंपोर्टर को उसने पेमेंट दिया उसने वो डिक्लेयर्ड पर्पस और ऑथराइज पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। एविडेंस ऑफ इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री के थ्रू देना चाहिए। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और IDPMS अपडेट उसने देना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हो सकता है, अदर मोड जो RBI बैंकिंग चैनल अलाउ करेगा उससे हो सकता है। अदर एक्सपेंसेस में अगर बाहर से कोई एक्सपोर्टर वगैरह विजिट पे आया है उसके रुपीज में एक्सपेंसेस कर सकते हो। आपको गोल्ड एंड सिल्वर मिला है तो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू रुपीज दे सकते हो, क्रॉस चेक दे सकते हो। और अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका बाहर का जो आपके बिजनेस संभाल रहा है वो इंडिया में आ रहा है तो आप उसके लिए रुपीज में एक्सपेंसेस कर सकते हो। ये अलाउ किया है एडी कैट वन बैंक ने। दूसरी बात, फिर उसके बाद में हम जो एविडेंस देते हैं इंपोर्ट का, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और IDPMS का अपडेट, ठीक है। यहां पे IDPTIS हो गया है, इसको IDPMS कीजिए कृपया। IDPMS का अपडेट जो हम दे रहे हैं उसके अंदर मेंशन किया गया है इंपोर्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस एडी कैट वन गैन क्यू गारंटी पर अप्रूवल टू RBI। अगर ये गारंटी के लिए बात चल रही है जो हमने अभी पढ़ी पढ़ा, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट बेसिस के ऊपर है तो RBI के अप्रूवल से गारंटी दिया जाएगा। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से है तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से यहां पे अब और RBI कंडीशन से अप्रूवल दिया जाएगा गारंटी का। और सर्विसेज का इंपोर्ट है, ठीक है, सर्विसेज का इंपोर्ट है, गलत जगह से एरो आया है, यहां से आपको एरो लेना है। सर्विसेज का इंपोर्ट है तो अभी हमने देखा अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए एडी कैट वन 5 लाख का दे सकता है गारंटी, उसके ऊपर बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU वगैरह है तो उस केस में 1 लाख का गारंटी दे सकता है, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लगेगा। यह हम गारंटी के लिए देख चुके हैं। अगला है अगर इंपोर्ट का पेमेंट कितने महीने में सेटल होना चाहिए तो 6 महीने में सेटल होना चाहिए नॉर्मल केस में। विथहोल्ड परफॉर्मेंस गारंटी के लिए आप विथहोल्ड कर सकते हो डिफर्ड पेमेंट के लिए। और अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो एडी कैट वन बैंक का आपको परमिट लगेगा, 3 ईयर्स तक के मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा और 3 साल का इंटरेस्ट आपको अलाउड है। वन टाइम एक्सटेंशन 6 मंथ्स का होगा तो 6 6 मंथ्स के आप नियरली 6 extensions यहां पे क्लेम कर सकते हो। इन 6-3 साल के अंदर आपका डिस्प्यूट डिले जो भी डिफिकल्टी है वो आप कंप्लीट कीजिए। कुछ स्पेसिफिक गुड्स के केस में, लिस्ट ऑफ गुड्स के केस में RBI स्पेसिफिक एक्सटेंशन बोल सकता है। अगली चीज मेंशन की है फॉर डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट, अगर आप बात करो तो बायर्स क्रेडिट सप्लायर्स क्रेडिट मैक्सिमम 5 ईयर्स तक के ट्रेड क्रेडिट एज पर ECB गाइडलाइंस आपको मिल सकता है, ठीक है, इसको ECB ट्रीट करना पड़ेगा। ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया और करेंसी नोट्स वगैरह। जैसे मैंने बोला था बाहर से अगर कोई फेंक के मार रहा है तो भैया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल के थ्रू करे प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ। अगर बाहर से कोई लेके आ रहा है तो करेंसी नोट बैंक नोट $5,000, करेंसी नोट बैंक नोट ट्रेवलर्स चेक $10,000, इसको तोड़ रहे हो तो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर डिक्लेरेशन दे दो पहले ही। अगर आप रुपीज लेके आ रहे हो बाहर से कहीं से भी लेके आ रहे हो तो ₹25,000 इंक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान, नेपाल भूटान से खास करके ₹100 या उसके नीचे वाले डिनोमिनेशन के करेंसीज लेके आओ, सो दैट हवाला का कोई भी सिचुएशन ना रहे। दूसरी बात, नेपाल भूटान में ₹100 के नीचे के ही करेंसी क्यों है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है इंडिया के बाहर पाकिस्तान और इंडिया के बाहर नेपाल, यहां पर हमारे डुप्लीकेट करेंसी ज्यादा प्रिंट होते हैं और ये करेंसी ज्यादा प्रिंट होते हैं। अब डुप्लीकेट करेंसी प्रिंट करने वाला ₹100 के नोट प्रिंट नहीं करेगा, डुप्लीकेट करेंसी प्रिंट करने वाला 500 या 2000 की ही करेगा, सो दैट उसको उसकी वर्थ मिले। ₹100 के नोट प्रिंट करने के लिए अगर वो लगाएगा ही ₹150 तो लॉस में है ना।
तो एटलीस्ट 500 2000 के नोट प्रिंट करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में इससे डुप्लीकेट नोट भी इंडिया में एंट्री होने का टारगेट खत्म हो गया, वो रास्ता ही बंद हो गया कि डुप्लीकेट नोट इंडिया में आ ही नहीं सकते नेपाल भूटान पाकिस्तान वगैरह से। यहां पाकिस्तान बोला नहीं है बट नॉर्मली नेपाल भूटान का रूट है, पाकिस्तान के बारे में तो हम ज्यादा ही कॉशियस है इसलिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीआरओआई और एनआरआई के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो अगर पीआरआई के ऊपर ही हमने 25,000 रुपए का रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो पीआरओआई और एनआरआई के ऊपर तो लगना ही चाहिए क्योंकि उनके पास तो रुपीज भी नहीं है। ये चीज को आपने याद रखा, ये पूरा का पूरा हमने टुगेदर एक साथ एक चार्ट में इन शॉर्ट में शॉर्ट एंड वाव में दे दिया है इंपोर्ट प्रोसीजर का मास्टर डायरेक्शंस। बस ये एक चार्ट पढ़ो आपका पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर खत्म, कहीं कोई दिक्कत है फिर डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। ये हो गया इन शॉर्ट, समझ में आया क्या, डायमंड क्लियर है क्या, कृपया मुझे कमेंट करके बताइए और जो चीज की बारे में बात चल रही है कृपया उसी को कमेंट कीजिए, ठीक है, दूसरी चीजों पे मत भागिए, कृपया कमेंट करके बताइए समझ में आया अच्छा लगा तो अपने दाद दीजिएगा।